सिकंदर सियाणा बोल रहा हूँ, सिकंदर सियाणा। मगर कहाँ से बोल रहे हो? मैं शादी का दफ्तर है ना मेरा, आपको मालूम है आपने अपने छोकरे की फोटो दी थी। हाँ हाँ, मेरे बच्चे की शादी का क्या हुआ? अरे हमने आपके लड़के की तस्वीर जिस लड़की के घर में भेजी है, किसी ने भी लड़की नहीं दी, बल्कि किसी ने आटा दिया है, किसी ने कपड़े दिए। क्या कह रहे हैं आप? मैं आपको बजाय तौर पे फरमा रहा हूँ, इसलिए आपसे दरखास्त है कि अगर आप बोलो तो छोकरी ढूंढूं कि छोड़ दूं। देखिए मेरी आपसे बात ही नहीं हुई थी, मेरी बात हुई थी सत्तार सियाणे से। चले जिससे भी हुई थी, बहरहाल आपका छोकरा इस काबिल नहीं है कि उसकी शादी हो, उसका मुंह ही बुड्ढो जैसा है। बुड्ढो जैसा? हाँ जी, मैं आपके लिए, आप सुनाइए आपकी शादी हो गई है? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? नहीं मैं समझा आपने लड़का लेके पाला है, ले पालक भी होते ना, ले पालक, ले आलू, ले टिंडे। मेरा अपना इकलौता बेटा है और आपको बता दूं कि नवाब का बेटा है। ठीक है आप बोलते तो मैं इंतजार नहीं करता हूँ। आपको अब जरूरत ही नहीं तकलीफ करने की, समझ में आया? अब मैंने फैसला किया है मैं अपनी भांजी शाजिया से शादी करूंगी उसकी, ठीक है? आइंदा आप यहाँ टेलीफोन नहीं करना। ठीक है आइंदा मैं वहाँ फोन करूंगा, वहाँ कितने बजे होती है आप? क्या बकवास कर रहे हो, बंद करो टेलीफोन। लेडीज फर्स्ट। जा बस, सुबह ही सुबह मुंह दिखा दिया, अब सारा दिन मेरा खराब गुजरेगा। बेगम हमने आपकी तमाम गुफ्तगू सुन ली है जो आपने टेलीफोन पे भी की है, मगर कान खोल के सुन लीजिए, हम अपने अकलौते बेटे जमाल की शादी करेंगे तो सिर्फ अपने भाई की लड़की फाखरा से करेंगे। मैं चमाट मार के मुंह तोड़ दूंगी, मेरे साथ बदतमीजी की गुफ्तगू होनी ही नहीं चाहिए। बेगम हम नवाब हैं और हमने ये फैसला कर लिया है कि अगर जमाल की शादी होगी तो सिर्फ हमारे भाई की लड़की फाखरा से होगी। जमाल की शादी होगी तो सिर्फ मेरे भाई की बेटी शाजिया से होगी, नहीं तो मेरा बेटा कोरे ही मर जाएगा। नवाब है, नवाब है, मैं भी इस नवाब की नवाबी ऐसी निकालूंगी, काम भी उस आदमी से करवाऊंगी जिससे ये इनकार ही नहीं कर सकेंगे। माने, ओ माने, कौन है? और माने के बच्चे, तमीज से बुलाओ, हम नौकर हैं। माने, तमीज से बुलाओ, नौकरों के काउंसलर हैं हम। माने माने के बच्चे कपड़े किसके पहने? साहब के। कौन से साहब के? जमाल साहब के। वो बोले तू कपड़े पहना कर, तेरे में बहुत जचते है भाई। मेरे को बोले तू पहन ले भाई, तू बहुत खूबसूरत लगता है। आइंदा तू कपड़े नहीं पहनेगा। मैं आइंदा कपड़े ही नहीं पहनूंगा, बदाक नहीं पहनूंगा ही नहीं, फिर मेरे पीछे पीछे फिरोगे। अल्लाह के वास्ते माने कपड़े पहन ले, कपड़े पहनो। मेरे बाप के साथ भी यही हुआ था, अब्बा मेरा गैरत वाला था, एक दफा मना किया कि जी हमको कपड़े नहीं पहनना, चार साल नहीं पहने कपड़े। सही बता रहा, हम लोग ऐसी फैमिली है, जिद्दी लोग हैं। माने इस तरह की बातें क्यों कर रहा? मेरा ये मतलब थोड़ा ही है। हाँ। मैं तो ये कहना चाह रही हूँ माने कि मेरा बेटा अपने कपड़ों में नौकर लगता है और तू उसके कपड़ों में मेरा बेटा लगता है। वैसे मैंने तो तुझे हमेशा बेटा ही समझा है ना। माँ झूठे बयान तो मैं यूं चेक करता हूँ, यूं है ना, जुड़े जुड़े बयान में नौकरी जो मेरा बेटा है, हम तो तुम्हें अपनी औलाद समझते हैं, हम बोलेंगे माँ चल दफाओ। ये करते हैं आप लोग बड़े लोग, सेठ लोग। अरे बकवास कर रहे तू, तू इतना छोटा सा था जब हमने तुझे पाला है। इतना छोटा माँ, जिसकी डबिया में सोता था मैं, है ना, दिया सलाई के ऊपर से उठा के मुझे नीचे रखते थे आप लोग। नहीं नहीं ये बोल दो, इतना सा था, बिल्ली का बच्चा था मैं, इतना सा था, अच्छा खासा बड़ा आया था, सारे मुझे बातें याद है। अरे चल रूई में तो तुझे दूध पिलाया जाता था। हाँ वो तो आप लोगों के घर में कंजूसी का सिस्टम है, मेहमानों का भी दिल करे तो रूई से निचोड़ निचोड़ के पिलाओ आप लोग। माने तुझे तो मैंने हमेशा अपना बेटा समझा है। हुकुम करो, कोई जरूरी काम लग रहा है मुझे आज। माने मैं बहुत परेशान हूँ। हाँ। मैं सोच रही हूँ शाजिया नहीं मेरी भांजी। हाँ। उसको तो तूने देखा है ना। जी जी। माशाल्लाह कितनी अच्छी बच्ची है, शादी के काबिल हो गई है। जी। मैं चाहती हूँ उसकी शादी करवा दूँ। जी जी। तेरा क्या ख्याल है? जी जी।
بڑا کیا پالا ہے آپ ہی ضائع کروا دو اس میں کیا کمبخت تو سمجھ کیا رہا ہے میں جمال سے شازیہ کی شادی کی بات کر رہی ہوں اچھا جمال صاحب سے اور میں سمجھا آپ لوگ میرے چکر میں ایسا ہو جاتا نا آدمی حسین ہو تو ایسا ہو جاتا ہے مانی جی میں چاہتی ہوں کسی طرح تو نواب صاحب کو تیار کرا دے اس بات پہ تجھے تو پتا ہے نواب صاحب تجھے کتنا پیار کرتے ہیں جی ہاں مجھے معلوم ہے لیکن دیکھیں نا میں نواب صاحب سے کہوں گا کہ کیا وہ جمال صاحب کی شادی اپنی آپ کی بہن کی شادی سے کرا دیں کروا دیں گے نا وہ اپنی بھتیجی کے چکر میں ہے نہیں مانے چلے وہ آتے تو میں بات کر لیتا ہوں شادی ہوگی تو شادی سے ہوگی اور تو کروائے گا یہ کام تو ابھی بات کر لے بہتر بہتر بالو با ملاحظہ جیب پاکٹ سے ہوشیار جناب سلام قبول ہو مانے ہم نے تم سے کہا تھا کہ جاؤ اور صبح صبح ہماری تصویر لے کے آؤ تم لے آئے آلیا میں نے آپ کو تصویر دکھائی نہیں کہاں ابھی پیش کرتا ہوں جناب میں بھول گیا آپ کو میں لا کے رکھی ہوئی ہے لیکن میں آپ کو دکھانا بھول گیا اس لیے کہ میں آ نہیں سکا تھا یہ کیا بدتمیزی ہے آپ اندر سے کتنے بھیانک ہیں اوئے ہوئے ہوئے وہ آپ کا تو پتا ہی نہیں ہے اللہ معاف کرے گردہ بھی آدھا ہی ہے بھائی اور میدے پہ لکھا ہوا حلال کی کھائیے سرکار یہ تو بڑا خطرناک فوٹو آ گیا اس نے ایکس رے مشین سے آپ کی تصویر اتار لی مانے یہ سب فضول باتوں کو چھوڑو ہم بہت پریشان ہیں حالیہ حکم کریں مانے ہم چاہتے ہیں کہ جمال کا رشتہ اپنے بھائی کی لڑکی فاخرہ سے کر دیں تم نے فاخرہ کو دیکھا ہے بیٹا ہاں ہاں وہ کیسی لڑکی ہے اوئے ہوئے بمبارڈ ہے مطلب اچھی لڑکی بہت پیاری ہے میں نے دیکھا ہے کئی دفعہ دیکھا جی ہاں ماشاء اللہ بھائی ایسی لڑکی فاخرہ بی بی جیسی لڑکی جو ہے وہ کیا لڑکی ہے فاخرہ بی بی لڑکی ہے بیٹا ابھی تو تم نے کہا تھا کہ وہ بہت اچھی لڑکی ہے اور اب ظاہر کر رہے ہو کہ وہ اچھی لڑکی نہیں ہے میرا مطلب ہے میں میرا کیا اعتبار ہے ایسی لڑکیاں تو ہاں بھائی سمجھ گیا سمجھ گیا ایسی لڑکیاں تو ہزاروں ہیں ہزاروں ہیں ایک بھی نہیں ہے ان جیسی واہ یعنی کہ ہم نے صحیح فیصلہ کیا جی ہاں مگر بیگم صاحبہ شادی نہیں ہونے دیں گے بتا دوں آپ ارے وہ کون ہوتی ہے ہمارے معاملات میں بولنے والی ہوتی کیا روز کہتی ان کی بیوی ہوں میں بھائی وہ ہماری بیگم ہے اسے ماننا پڑے گا ہمارا فیصلہ اچھا 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 ہمارا فیصلہ اسے ماننا ہوگا مگر شادی کا فائدہ کیا ہوگا نواب جناب ارے بھائی ہمارے بھائی ایک کروڑ پتی آدمی ہیں اچھا اگر ان کی لڑکی سے جمال کی شادی ہو گئی تو وہ جہیز میں کروڑوں روپیہ لائے گی بھانجی تو ہماری بھی اس گھر میں خالی ہاتھ نہیں آئے گی لاکھوں کا جہیز لے کے آئے گی ہاں لاکھوں کا لائے گی بھائی دیکھ لیا ماں نے اس جاہل عورت کو ہم کروڑوں کی بات کر رہے ہیں یہ لاکھوں کی بات کر رہی ہے ماں نے اس جاہل آدمی سے کہو کہ لاکھوں نہیں ہوں گے تو کروڑوں کہاں سے آئیں گے ایسے کیا دوں ایسے ہی جاہل آدمی انہوں نے بولا میں نے نہیں بولا ہے میرے لیے حرام ہے یہ الفاظ لیکن وہ کہہ رہی ہیں ایسے ہی بولو ماں نے اس جاہل عورت کو سمجھاؤ ایسے ہی بول دوں ہاں اے جاہل عورت سنو ہزاروں نہیں ہوں گے تو لاکھوں کہاں سے آئیں گے میں نے بولا ہے میرے کو تو آپ موقع دے رہے ہو میں نے نہیں بولا ہے ہزاروں نہیں ہوں گے تو لاکھوں کہاں سے آئیں گے مانے اس جاہل آدمی سے کہو غریب نہیں ہوں گے تو امیر کہاں سے آئیں گے اس میں تو بات پھیل جائے گی اس میں تو پھٹا ہو جائے گا امیروں غریبوں میں میرا آپ کا پھٹا ہو جائے گا بتا رہا ہوں سرکار شادی کی بات ہے بعد میں کیجیے گا پہلے آپ یہ سوچئے کہ جمال بھائی سے پتا کریں وہ شادی کے لیے راضی ہیں کہ نہیں ارے وہ کیسے نہیں مانے گا آخر کو وہ ہمارا خون ہے آپ میں تو خون ہی نہیں ہے دن ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے آپ خون چڑھواؤ یا خون پینا شروع کر دیں انہوں نے بولا نہیں تھا آپ کو مانے سب فضول باتیں نہیں کرو جو شازیہ کو ٹیلی فون کرو جی بہتر میں ارے مانے سب باتیں چھوڑو چاہو تم فاخرہ کو یہاں لے کر آؤ مانے تم میری بات سنو گے مانے تم میری بات سنو گے مانے 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 پاگل ہوں بدتمیز مجھے کیا بنا دیا سوئی شارجہ کے گارڈن میں لگی گئی ہوں کیا بنا تم لوگوں نے میرا دماغ خراب کر رہے ہیں آپ لوگ کہہ رہے ہوں کہ پہلے جمال بھائی سے پوچھ لو میں اس گھر میں پلا بڑا ہوں میرا بھی کچھ حق ہے اس گھر میں ہے لا دو
میرا مطلب ہے کہ میرا کچھ حقوق ہے جمال بھائی کا تو پتہ کرو جمال کہاں ہے آئے کتنی بڑی عمر ہے تو کلو تیرا باپ کلو منوس کی اولاد ابو آپ کو منوس کہہ رہا ہے پاگل کے بچے پاگل کا بچہ تو میں تو چلیے کا بچہ ہوں ہم چلیے نہیں نہیں وہی صحیح ہے چھوڑ دو مانے آ جاؤ تم کتے بولا تم کتے کا نوکر ہے وہ بول رہا ہمیں کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے ہمیں کہا بول رہا ہے میں دیکھ لوں گا ان کو آؤ جمال جی ہمیں بتاؤ کہ یہ لڑکی کون ہے اور اس گھر میں کیوں آئی ہے یہ ساجدہ ہے اور یہ لڑکی اگر یہ لڑکی اس خیال سے آئی ہے کہ اس گھر کی بہو بن جائے گی تو ہم اسے بہو نہیں بنا سکتے ممی میری بات تو سنیں ایک سانس میں بتاؤ بیٹا کہ یہ لڑکی اس گھر میں کیوں آئی ہے یہ اس لیے آئی ہے کہ وہ جی میں بتاتی ہوں آپ اڑیا ہڑی سمجھ سمجھ جاؤ وہ بتائیں ہڑیا سمجھ سمجھ ہڑی سمجھ ہڑیا بتا 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 اصل میں مجھے نوکری کی بہت سخت ضرورت ہے جمال صاحب سے میری ملاقات ہو گئی تو انہوں نے کہا نوکری صرف میرے ڈیڈی دلوا سکتے ہیں میں بہت دکھی لڑکی ہوں ہم مر گئے کیا ہوش میں رہنا ذرا مانے ڈانٹی نے نہیں 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 یہ صحیح کہہ رہی ہے نوکری کے چکر میں بہت آگے نکل گئی تھی گھیر کے لایا ہوں نہیں مطلب ہے لایا ہوں کام کے لیے یہ لڑکی اتنی خوبصورت تعلیم یافتہ اتنا اچھا لباس پہنا ہوا ہے یہ اس گھر میں کیا کام کرے گی میں ٹیوشن لے لوں اس سے کیا میں تیرے ٹیوشن کے لیے رکھوں اسے وہ جی میں آپ کے جھوٹے برتن صاف کر دیا کروں گی جھاڑو لگا دیا کروں گی پوچھا لگا دیا کروں گی تو صاحب کیا کریں گے ان کی تو نوکری چھوڑ جائے گی صاحب کی مانے راز نہیں کھول اچھا بدتمیزی ہے جی جی اور بیگم صاحبہ میں آپ کے جوتے صاف کر دیا کروں گی اللہ معاف اتنا بڑا بڑا جوتا ہے ان کا میں پیٹرول پمپ سے سروس کرا کے لاتا ہوں ان کے جوتے بولیے میں صاف کر دیں پوری کو پتہ ہی نہیں آپ کے جوتوں کا ارے بھائی اگر یہ دکھی لڑکی ہے تو بس یوں سمجھو کہ آج سے اس گھر میں اس کی نوکری پکی مانے تم جو اسے اپنے برابر والا سرونٹ کوارٹر بتاؤ میرا پڑوس آباد ہو گیا اللہ شکر ہے کیا بکواس ہے نہیں ممی یہ ایک پڑھی لکھی لڑکی ہے یہ سرن کوارٹر رہے گی ہلٹن میں کمرہ بک کروا دے نہیں نہیں آواری ٹھیک ہے لیکن یہ کیا پرابلم ہے میرا برابر میں پڑوس کیوں نہیں بسنے دے رہے ارے بھائی ہم نواب ہیں ہم فیصلہ کریں گے آج سے یہ لڑکی ہمارے کمرے میں رہے گی کیا اللہ اللہ اے بڑھاپے کے پروگرام دیکھو کیا کہہ رہے ہیں آپ آپ کہاں رہیں گے ہم اپنے کمرے میں رہیں گے آپ کے کمرے میں رہے گی آپ ممی کے کمرے میں رہیں گے میں کمرے کے باہر باندھوں گی میرے لیے دقت کا سامان پیدا کر دیں کیوں مجھے سو دفعہ آنا جانا ہوتا وہاں سے تو یہ کیا کریں گے میں نے سنا بندی ہوئی چیزیں بھونکتی ہیں سنا ہے میں نے بزرگوں سے مجھے کیا پتا ارے تو تو کہاں رہے گا میرا کیا ہے میں بچہ ہوں کبھی آپ کے کمرے میں رہ لوں گا کبھی رہ لوں گا نہیں یہ سسٹم ہی خراب ہے اس میں جھگڑے ہوں گے بھائی پھر امریکن سسٹم کرو سب ایک کمرے میں رہیں گے امریکن سسٹم میں تمبو لگوا لو تمبو تمبو کیا تمبو کیا تمبو سب بچے بن جاؤ تمبو کا نہیں پتا فارسی بول رہا ہوں نا میں تو تمبو کون کا پکا ہمارے ہی لفظ ہے تمبو کیا تمبو آپ کی شادی کیا میدان میں ہوئی تھی تمبو نہیں لگا تھا ہماری شادی تو ہال میں ہوئی تھی ہال میں ہوئی تھی ہال تھے ہی اس ٹائم پہ ہاں
उस जेम पे होल गा दे तंबू लगते थे तंबू हाँ तंबू तंबू में सिगरेट से सुराख करके कन्नातों में झांकते लोग खुद देखा अबे कहाँ की बात कहाँ कर रहा है तंबू में रहेंगे ये माने हाँ। चलो उसे सर्वेंट क्वार्टर में ले जाओ जी आ ले जा ए आइए 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 जमाल जी हमने फैसला किया है बेटे कि हम तुम्हारी शादी अपने भाई की लड़की फाखरा से करेंगे हम नवाब हैं और ये हमारा अटल फैसला है लेकिन डैडी आप सुनो तो सही मैं और शादी अभी उधर मर है? कौन खोल के सुन ले क्या शादी होगी तो सिर्फ मेरी भाई की बेटी शाजिया से होगी वरना मैं मर जाऊंगी और तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा सिर्फ कहती है बखत मारे एक दफा यतीन कर दूंगी कहती है मुझे ही बड़ा शौक है आओ ये तुमने यहाँ की नौकरी कर ली भाई अगर नौकरी करनी थी तो ऑफिस में कर लेती ओफो, तो इसमें परेशानी की क्या बात है भाई परेशानी है तुम इस घर की इज्जत हो बहू हो ठीक है मैं इस घर की बहू हूँ इस घर की खिदमत करना मेरा फर्ज है मैं मम्मी को बता देते हैं कि हमने शादी कर ली है देखो जमाल अभी वक्त नहीं वक्त आने में मैं बता दूंगी तुम नहीं जानती बहुत लालची है मम्मी और डैडी ये मेरी शादी कहीं और कर देंगे कोई बात नहीं इस घर की खुशियों के लिए मैं सोकन को भी बर्दाश्त कर लूंगी मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता जमाल तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे तुम समझो तुम बता देते क्या है आखिर अबे नहीं अभी एक तनख्वाह दी नहीं है और ओवर टाइम शुरू हो गया यहाँ क्या हो रहा है यहाँ भाई चलो नौकरानी जी नौकरानी रहो असली परी का धागा नहीं बनो चलो चलो अंदर जाओ नौकरानी जाओ जाकर चिप्स बनाओ और मुझे पका के खिलाओ मैं इस घर का हेड नौकर हूँ जो डॉक्टर साहब की फोटो अंदर लेके जाओ चलो जाके तब नौकरों वाले कपड़े पहनो चलो उनको देख रही हो किसको देख रही हो बार बार इनको बार बार देख रही हो ओ खुदा खौफ करो आगे कमजोर हो जाती हैं आपको तीन चार दफा देखा हैरत की बात है अलग अलग आपको मोहल्ले में कोई दूसरी दफा देख लो यूं हो जाता क्या हो बदतमीजी है ये आपको याद नहीं है क्या याद नहीं है मोहल्ले वाले इस तरह करते हैं मोहल्ले वाले को छोड़ो आज से तुम इज्जत करोगे इसकी इस लड़की की क्यों ये गोरबाचौफ की बेटी है पागल इज्जत करोगे क्यों इज्जत करोगे मैं बेवकूफ हूँ बक करोगे क्यों नहीं भाई मेरा ध्यान हो गया उसकी तरफ हाँ मुझे आधे घंटे में अच्छी लगने लगी हो क्या बकवास है बहुत प्यारी लड़की है सरकार बेसहारा भी है नहीं नहीं मेरा भाई होगा इससे शादी करवा दो भाई हाँ भाई ने मान से मेरे बच्चे होंगे आपको चाचू चाचू बोलेंगे क्या बकवास है ये बकवास है ये मेरे ख्वाब है ख्वाब सपने हैं सपने कैसे सपने ये मैंने देखे इस लड़की के मुतालिक मैं शादी करूंगा नहीं आप करवाएंगे नहीं करवाऊंगा मैं भी आपका कोई काम नहीं करूंगा हमने कितनी लड़कियों को खत पहुंचाए आपके बुरखे पहन पहन के गए वापसी में उनके बाप भाई स्टाफ तक आए पीछे वो अलग हमें छेड़ा उन्होंने हमने बड़ी बातें बर्दाश्त की आप ये भी नहीं करो यार समझा करो ना तुम कोई समझ नहीं ये लड़की फाइनल है बस मैं करूंगा मैं परेशान हूँ कोई बात नहीं क्या करूँ परेशान हूँ भाई आधा शहर मेरा दुश्मन हुआ हुआ है आधा शहर हाँ क्यों भाई खंजर आप बंदूक लेके मेरे पीछे हैं कौन लोग दुश्मन मेरे आपने पहले क्यों नहीं बताया मुझे क्यों बताया होता आपने तू क्या करता मैं कम से कम यहाँ से नौकरी छोड़ देता अब तो मैं भी नजरों में आ गया हूँ यार तू दोस्त है ही नहीं आप मुझे दोस्त कह रहे हैं मैं दोस्त नहीं हूँ मैं दोस्त हूँ नहीं है आप क्या बात कर रहे हैं कि मैं आपको मुश्किल बात को छोड़ के चला जाऊंगा हाँ। ऐसा नहीं हो सकता मैं जिस बाप का बेटा हूँ उसके बदमाशी के किस्से मार्शल की उलूम में जगह जगह लिखे हैं हाँ? तारीख में जगह जगह लिखे मेरे बाप के किस्से मेरा बाप वो बदमाश था जब पहली बार मेरे बाप ने खंजर निकाला सामने वाली पार्टी ने रख के थप्पड़ दिया पड़ा अब्बा ने खंजर फेंक दिया कि जिस काम के स्टार्ट में जिल्लत है लाना तो उस काम लेकिन हम नहीं है वो हम वो लोग हैं जो दोस्त के दोस्त हैं दुश्मन के दुश्मन हैं आने दो गुंडों को मैं आपके सामने शीशा पिलाई हुई दीवार बन जाऊंगा और गुंडों से कहूंगा चलाओ गोली चलाओ गोली चलाओ गोली चलाओ मुझे पता था तू यही जलालत करेगा नहीं हमने बुजुर्गों से सुना गोली चले तो नीचे बैठ जाना चाहिए
मैं निकल जाऊं। वो आपका नसीब है सरकार, आप फिक्र मत करो। तो कुछ बता क्या करूं? आप सिर्फ इतना आइडिया रखो कि मुझे पता चल जाना चाहिए कि आप पे हमला हुआ है। हाँ। ऐसा कोई इशारा ताकि मैं झपट के आऊं और दुश्मन का क्या कहते हैं उसको कुलकुमा कर दूं। कुलकुमा? हाँ सही रहा, सही है। हाँ। क्योंकि तू हर टाइम हमारे साथ तो होगा नहीं। यस। तो कोई ऐसा इशारा बनाते हैं कि दुश्मन ने हमला किया तू आ गया। हाँ ठीक है ठीक है। कह रहे हैं सोच। अच्छा सोच सोच। अच्छा आ गया आइडिया। क्या? ये क्या? दो ताली इशारा है। कहेगा दुश्मन ने हमला किया, मैंने दो ताली बजाई, तू आ गया। वाह वाह दोस्त वाह वाह। आप नवाब छा के बैठे हैं ना? ईमान से बहुत अच्छे है? अकल की बात कर रहा हूं कि दुश्मन जब आपके करीब हो आप मुझे पता पड़ जाएगा और मैं शिक्र की तरह आऊंगा। शिक्र? ठीक है ठीक है। बस ये रिहर्सल हो जाए। रिहर्सल गुंडे के बगैर होगी। हाँ गुंडे। हाँ फिर ठीक है करो। बुला करो, बुला ताली मार के बुला, फिर जाओ खाली बुला बुला। अबे कैसी बातें कर रहे हैं गुंडे के बगैर? चलो कर लेते हैं। दुश्मन आ गया। खुदा तूने हमारा चलना नहीं देखा, हमारे उपहार करने का अंदाज नहीं देखा। आखिरी बार दुनिया को देख ले कीड़े, आखिरी बार आओ। तू तू मैं बकरी होती है, माने शेर है शेर, माने हमने हमारी गुंडागर्दी नहीं देखी, माने पे हमला करने वाले, खुदा तुम्हारा तांगा चलाने वाले है? तुम जिंदगी भर पछताओगे। माना बदमाश तुम पे वार करने लगा है। माना बदमाश पे वार। माना बदमाश पे वार। हमारू? मैं तो सही आया हूं। हाँ है ना? बिल्कुल सेट आया है। ऐसे ही आना है ना? ऐसे ही आना है। कैसा मजा है? अल्लाह है ना? हाँ। बस अब आप इस बात को पक्का कर दे कि ताली पे मेरे कान हैं। हाँ। ताली बजेगी तो माना बदमाश आएगा। ठीक है ठीक है। अब ताली मेरा इशारा है। इशारा है। मना करा दो मोहल्ले में। क्या? अब यहाँ कव्वाली का प्रोग्राम ना हो वरना ताली बजेगी और कव्वाल कवाली नहीं बल्कि इनकी भी एंट्री नहीं होगी अब यहां पे। अरे यार हेलो जिमी। ठीक हूं, कैसी हो? ओ जिमी। हाँ मैं कुत्ता फैमिली से हूं जिमी। सीधी तरह बोलो जमाल। ओफो जमाल नाम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जिमी नाम मॉडर्न है। मुझे पुराने नाम और पुरानी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो तुम्हें क्या पसंद है? मैं तो चाहती हूँ जब दुल्हन बनकर इस घर में आऊँ तो इस घर का नक्शा ही बदल के रह दूँ। इस पुराने कारपेट की जगह नया कारपेट हो और इस पुराने फर्नीचर की जगह नया फर्नीचर और तुम्हारे पुराने वालदेन की जगह नया माँ बाप। तुम्हारे बाबा का राज चल रहा है ना, कुछ भी कर लो मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला। नहीं करता नहीं करता। जाओ औरत का करूंगा। माने कत्ल तो कत्ल है, औरत का हो या मर्द का हो। ओ माने नहीं। हाँ बोल, सामने से हट जाओ, कातला को मत बचाओ सेठ। नहीं माने। कातला को मत रे, मेरे दोस्त पे हमला किया। माने खामोश। ओए मेरी कजन है। मैं तो सही आया हूं। बिल्कुल सही आया है ना। अब आ गया है तो इनकी खातिर तो आशा करो। हाँ। मैं अंदर हूं। अच्छा ये बंद करो जी। हम तो बद
बदमाश है भाई। सीधी सी बात है। नहीं। ये चाकू है, लगता है तो खून निकाल देता है ससुरा। हम लोग तो जख्मों के आदि हैं, आदि हैं। चाकू है, हर एक को लग जाता है ये। इसको बंद ही कर लो, सही नहीं है ये। आप हैं कौन और करते क्या यहाँ पे? नौकर हैं। अच्छा। माना नाम है। अच्छा, फिर तो आपको काफी मालूमात होगी इस घर के बारे में। इस घर का चप्पा चप्पा जानता हूँ जी, और इस घर से मैं एक सुरंग भी निकाल लू सीधी बाई रोड। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि बड़े नवाब साहब की तबीयत कैसी है? बड़े नवाब साहब की तबीयत खराब रहती है, उन्हें पुराना नगला है जी, और दिमाग में जमा हुआ है। अच्छा। हाँ जी, इस वजह से मैं आपको ये बात कहना चाह रहा था कि नवाब साहब की बातों को ध्यान मत दीजिएगा, मगरूर आदमी है। अच्छा छोड़िए इन बातों, आप मुझे ये बताएं इस घर में वीसीआर है? ओह, हर वक्त वीसीआर चलता है इस घर में। अच्छा। वीसीआर की वजह से परसों मेरी बड़ी पिटाई हुई है। क्यों? बस बड़ा झगड़ा हुआ है, वीसीआर की वजह से गाने वाने चलते हैं ना, तो मुझे आदत पड़ गई है। मैं यूं करके नाश्ता लेके जा रहा था, चलता हुआ अंडा सांप के सर पे गिर गया। तब से बोल रहे हैं वीसीआर बंद कर देंगे। अच्छा। हाँ, छोटे नवाब साहब की तबीयत कैसी है? मेरे जैसे हैं। हैं? दिल फेंक। अच्छा। लड़की देखी और कह दिया कैसी हो? ब्यूटीफुल। समझी नहीं ना? नवाब साहब के हाल बता रहा हूँ। अच्छा। आप पढ़ी लिखी लग रही है जी, काफी जी। उर्दू पढ़ लेती है? हाँ। मेरा काम करेंगी क्या? ये खत पढ़ दे, बड़ी मेहरबानी होगी। आप नहीं पढ़ सकते? मैं सिर्फ लिख सकता हूँ जी। मैं गुर्बत की वजह से पढ़ नहीं सका, गुर्बत ने मुझे पढ़ने नहीं दिया। मेरे अब्बा इतने से थे जब पढ़ गए थे जी। नहीं, मैं इतना सा पता नहीं हम दोनों में कौन छोटा था। आप पढ़े लिखे लगते हैं मुझे तो। मैं ये मुंह से चीटिंग कर रहा हूँ, ये मैं पढ़ा लिखा मुँह नहीं है ये। आप ध्यान से पढ़ दें, बड़ी मेहरबानी होगी, जोर से पढ़िएगा। जान से प्यारे माने। दिल चाहता है उड़कर तुम्हारे पास पहुंच जाऊं। आ, 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 आ। लिखा है वो, और किसी के हाथ ना आऊं। ऐसे ही कोई। माने में तुम्हारी पूजा करती हूँ। आओ शुरू हो जा। कितनी खुश नसीब होगी वो लड़की जो इस वक्त तुम्हारे सामने खड़ी है। इस लड़की को चाहिए कि फौरन तुमसे कह दे आई लव यू। लड़कों को नया आइडिया देता हूं। ये भी एक आइडिया है कि प्यारे दोस्तों, बड़े बड़ी फैमिली के घरों के सामने खड़े हो जाओ, ये मगरूर लड़के निकले खत दे दो, पढ़ना नहीं आता। फिर सुनो और अपना दिल बहलाओ। शराफ। शुक्रिया। आंटी को बुलाइए। आंटी कौन? बेबी आंटी। बेबी आंटी जी। ये कौन है बेबी आंटी? ये हमारे घर में कौन है डबल सवारी? बेबी आंटी। अब बुला दे। ए बेबी आंटी कौन है? अरे कौन बुला रहा है? ओह ओए याहू, मॉडर्न फैमिली ऐसे ही मिलती है। आए है तो क्या, पढ़े लिखे हैं हम, ऐसे तो नहीं है। आप पढ़ी लिखी है बेगम साहब? और क्या, एक काम करेंगी? हाँ हाँ बोल। तूने तो नहीं पढ़ा? नहीं, लिखा इतना अच्छा है हर बार दिल चाहता है पढ़ लूं। आंटी, आपने मुझे बुलाया किस सिलसिले में था? बस मेरा तो ध्यान ही वहीं लग गया। मैंने तुझे इसलिए बुलाया था बेटा, ये जो तू मगरबी लड़की बनी हुई है ना, ये गलत कर रही है जी। जमाल को मशरकी लड़की पसंद है, तू नवाब साहब की टक्कर पे सुरैया भोपाली बन जा जी। समझ में जी। हाय हाय, एक तो जब कोई अच्छी बात करो काला बिल्ला जरूर बीच में आ जाता है। बेगम, आप अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सकती।
जमाल की शादी होगी तो सिर्फ हमारे भाई की लड़की फाखा से होगी। आप ऐलानात करते रहिए और मैं जा रही हूँ बच्ची को शादी की शॉपिंग करवाने। किसी के बोप में ताकत है तो मुझे रोक ले। शॉपिंग भी शुरू हो गई। बकवास बंद करो और यहाँ ना खड़े रहो, जाओ बर्तन धो। लेकिन ये जरूरी बातचीत उसके अब्बू मर गए बेचारे, मैयत लेट हो रही है। आज मैं उनके अब्बू के मैयत में जाऊँ तो कल आपके मैयत में कौन आएगा? अरे कोई हम मरने लगे हैं। क्यों मुल्कुल मौत आपके फूफा लगते हैं, आप नहीं मरेंगे? बेटा हम चाहते हैं कि तुम्हारी शादी। मैं जा रहा हूँ आपके लिए जमीन देख लूँ। कहाँ? कब्रिस्तान में। बच्ची बचपन के दिन बुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। आपको किससे मिलने है? अरे माने हम पहले ही परेशान है और तुम हमें और परेशान कर रहे हो। अरे आप नवाब साहब? हाँ। तनी मेरी आंखों को क्या हो गया है, अपने लोग ध्यान में नहीं रहते। बेटा हम चाहते हैं कि जमाल का रिश्ता अपने भाई की लड़की फाखरा से कर दें, मगर वो कम वक्त मानता ही नहीं। तू नहीं मानता? भाई हम चाहते हैं कि कोई तुम हमें ऐसा मशवरा। आपने रोक नहीं है ना है? बाप वाला रोक ही नहीं है। रोक? हाँ रोक ना है, सर में डंडा मार दे। रोक रखे। बेटा हमें कोई तरकीब बताओ कि ये फाखरा से शादी पर राजी हो जाए। बस मैं आपको तरकीब नहीं बताता, बल्कि मैं आपको एक बंदे से मिलाता हूँ, वो शादी की तरकीबें बताता है। हैं? ले आऊं? बेटा तो तुमने पहले क्यों नहीं बुलाया? वो पिछली गली में रहता, भी लेके आता हूँ। आप यहाँ इंतजार करें, मैं लेके आता हूँ। नवाब साहब आपके नहाने के लिए पानी गर्म कर लिया है, आप नहा लीजिए। अरे सहिबा बेटी तुम हमारी मदद जरूर करोगी, क्योंकि जमाल तुम्हारी बात बहुत मानता है। बेटा हम चाहते हैं कि जमाल किसी तरह हमारे भाई की लड़की फाखरा से शादी पर राजी हो जाए। मगर मैं जमाल से दूसरी शादी के लिए कैसे कहूँ? क्या कहा? दूसरी शादी? नहीं मेरा मतलब है मैं जमाल। अरे बेटा हमें उम्मीद है कि अगर तुम जमाल को कहोगी तो वो जरूर मान जाएगा, क्योंकि वो तुम्हारी बातों को जरूर मान लेगा। हमें उम्मीद है बेटा तुम हमारी मदद करना, उससे कहना जरूर। लेकिन वो शादी की मेरा दोस्त है, इसका नाम है मस्त स्कीमर। स्कीमर मतलब वो अंदर आया हो? आया आया। ये क्या कर रहा है बेटे? ये पहले फ्रूट मंडी में अखरोट तोड़ता था, इसका बिजनेस है ये। बहुत अच्छा दोस्त है। दोस्त 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 चल बे, चल सिंगाड़े नवाब साहब को भी। अबे नवाब साहब को चलो जरा खुड़कुड़े लट्टू की औलाद। तुझे समझ नहीं? पूछ तो ले पहले, बता हमारी नौकरी भी छोड़ो यार। अबे जनाब किबला नवाब साहब, ये नवाब भाई। चल स्कीमर को भेज। अबे चल स्कीमर को भेज। अबे चल स्कीमर को भेज, मैं कह रहा हूँ स्कीमर को भेज। चलो स्कीमर को लेकर चलो। चलो तू नवाब को ले बोल। अरे हम नवाब हैं। जी हाँ आपका नाम नवाब है, अब क्या करें? नवाब साहब हैं और ये मेरा दोस्त है, शादी की स्कीमें बताने वाला। बेटे इसे हमारी प्रॉब्लम बताओ। भाई नवाब साहब की एक प्रॉब्लम है। जी जी समझिए। नवाब साहब के बेटे हैं जमाल साहब। जमाल साहब का प्रॉब्लम ये है कि वो अपनी पसंद से शादी करना चाहते हैं। नवाब साहब का मतलब ये है कि इनकी भतीजी जो है फाकरा, उनसे शादी हो जाए, तो इससे वजह से वो शादी की तरकीब बताएं।
क्या कह रहे थे तुम? अभी समझेगा, अभी समझेगा। वो नवाब साहब के बेटे ना जमाल साहब, वो शादी करना चाहते हैं अपनी पसंद से। नवाब साहब चाहते हैं कि इनकी भतीजी से हो जाए, इस सिलसिले में आपको बुलाया। वो तरकीब बताओ। भाई समझा। कुछ कह रहे थे तुम? आप आहिस्ता आहिस्ता नहीं बता सकते? नहीं मैं बताता हूँ भाई। नवाब साहब के बेटे जमाल साहब, जमाल साहब जो अपनी पसंद से शादी करना चाहते हैं। नवाब साहब कहते हैं जमाल साहब अपनी पसंद से शादी नहीं कर, बल्कि इनके भतीजे फार्म शादी कर ले, क्योंकि उन्होंने अपने भाई को जबान दी, अगर जबान कर दी तो उनकी बड़ी बेटी होगी, उन्होंने बीवी जो बीच में आ रही है वो चाह रही है अपनी भतीजे, इसलिए उन्होंने बताया था। अगर उन्होंने जमाल साहब शादी करें मानी रहे, दोनों झगड़ा हो, दोनों झगड़ा होगा तो बाबू नहीं हिलाता रहे, मुँह हिला कितना हिलाएगा, हिला 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 हिला। मैं समझ गया, मैं समझ गया। तो बताओ। मैं अभी बताता हूँ। आइए नवाब साहब, आप इस तरह करें। किस तरह करें? नहीं आप उस तरह करें। उस तरह करें? हाँ मतलब है दरख्त के नीचे कुर्सी डाल के बैठ जाए और उस तरह करें। माने बेटा ये कैसी तरकीब है? मेरा मतलब मैं समझ शादी को बिजनेस का काम बता रहे हैं आपको। नहीं नहीं अबे शादी का बताओ। मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ सिचुएशन किस तरह करना है, यूं करना, यूं करना, यूं करना है, यूं करना है ना। तू है माने जी, मैं तो स्कीम बता रहा था। आ, तो बताओ ना, बता रहा हूँ क्या कर रहे हो। मैं सिचुएशन ये है कि यूं करना, यूं करना है, यूं करना है। माने से समझाओ। ओए बेवकूफ के बच्चे, इनकी छेड़ है। छेड़ है? मैं इतना बदतमीज हूँ कि किसी बुजुर्ग के साथ मजाक करूंगा? अब मैं नहीं कहूंगा। माने मर जाएंगे माने। अबे ओ ओ बरसाती कीड़े, सत्यानाश जाए बेगरत आदमी। जब वो कह रहे हैं कि एक दफा के पुड़ूंगा, मत बोलो ये लाज। भाई गलत हो गई, अब नहीं कहेंगे। चलो तरकीब बताओ। तरकीब कुछ इस किस्म की है। हाँ। कि एक दो नाली वाली बंदूक ले ली, उसे अपनी कनपट्टी में रखी। रखी कनपट्टी है आपकी? हाँ है। अगर नहीं है तो निशान लगा ले। लगा लिया। फिर अपने बेटे को बुलाए, उससे कहे अगर तू शादी के लिए राजी नहीं होगा तो मैं गोली चला दूंगा। और अगर वो ना माना तो? आप गोली चला दीजिएगा। वाह 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 वाह, क्या तरकीब बताई। क्या माने? आपको इसने बहुत बड़ा पैगाम दिया है, तुम समझ गए? हाँ हाँ। आप पिस्टल कनपट्टी पे रखे बेटे से कहें कि अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं खुदकुशी कर लूं। कौन बेटा चाहेगा उसका बाप मरे? बात तो मुनासिब है माने। भाई तुम्हारी तरकीब मंजूर हो जाओ। भाई कुछ एहतियाती तदाबीर है। एहतियाती तदाबीर क्या है? तरकीब हिला के पीनी? नहीं नहीं, एक बच्चा दम करके नदी में फेंकवा दे। मगर हमारा तो एक ही बेटा है। आप फिर फेंकवा के निकलवा लीजिए, आपके ये रियायत है, एक ही है ना इनका। और तो बेगम साहबा फेंकवा दे। बेगम साहबों को फेंकवाए नहीं, फी सबीलिल्लाह मुझे दे दे, अल्लाह आपको इसका अजर देगा। हम अजर ले ले, तू बेगम साहबा ले। वाह भाई वाह, बहुत बहुत आला। एक एहतियाती तदाबीर हो रहे। क्या है बताइए? रात के 12 बजे के बाद किसी पुराने कब्रस्तान में जाना है, किसी गुनाहगार की कब्र पे खड़े होकर आसमान की तरफ देखना है और कहना है क्या तू है? सरकार तरकीब अच्छी है। मैं आपके लिए खुदकुशी का इंतजाम करता हूँ। ठीक है ठीक है, मैं भाई को फोन करता हूँ। ठीक। हेलो। हाँ भाई साहब। हाँ मैं बोल रहा हूँ नवाब। हाँ मैंने फैसला कर लिया है कि जमाल की शादी होगी तो सिर्फ आपकी बेटी फाखरा से होगी। हाँ आप तैयारियां शुरू कर दें, बल्कि तंबू गढ़वा दे, देखे चढ़वा दे, हम बारात लेके इंशाल्लाह आएंगे। अरे वो कौन होती हैं? हमने फैसला कर लिया है और हमारा फैसला अटल फैसला होता है। इंशाल्लाह बारात जरूर आएगी। सरकार जी चलिए। तो माने शुरू कर दिए। हाँ सीन शुरू कर। हाँ क्या दांतों में कीड़ा लग गया है? माने मैं खुद तो यहाँ तो बच जाएंगे आप। यहाँ रखिए, यहाँ यहाँ चलाइए और सवाब पाइए। क्या कह रहे हो माने? अरे यहाँ मेरा मतलब समझ गए ना? ड्रामा ड्रामा। हाँ समझ गया। ना कीजिए नवाब साहब, लल्ला खुदकुशी मत कीजिए। माने हमें मर जाने दो माने। बस खुदकुशी मत कीजिए नवाब साहब, लल्ला अगर आप मर गए तो सड़क पे डामर फैल जाए। मेरा मतलब है मोहल्ले में बहुत लोग उदास हो जाए। माने हमें मर जाने दो, हमारी औलाद हमारे फैसलों को नहीं मानती, हमें मर जाने दो माने। नहीं नहीं नवाब साहब बचाइए, आपके वालिद साहब खुदकुशी कर रहे हैं। करने तो मैं आया था। है? माने शेव नहीं कर रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं। मगर क्यों? माने ये हमारी औलाद हमारे फैसलों को नहीं मानती,
हम चाहते हैं कि इसकी शादी अपने भाई की लड़की से कर दे, ये राजी नहीं होता, हम फायर करके अपने आप को मार लेंगे। माने नवाब साहब एहतियात कीजिए, खुदा का बचाइए। मैं शादी नहीं कर सकता, मेरी 3 महीने की तनख्वाह। माने तुम 3 तक गिनती गिनो, हम अपने आप पर फायर कर लेंगे। नहीं नहीं नवाब साहब, मैं यतीम हो जाओ, खुदा के लिए रुक जाइए नवाब। नहीं माने, तुम 3 तक गिनती गिनो, हम फायर कर लेंगे। 1, 2, 3 है। क्या कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता गिन। ठीक है माने, मैं सोने लगा हूं, 3 पूरी हो जाए मुझे उठा लियो। 1:10 हो गए, 1:15 हो गए, 1:20 1:40 पाने दो, पाने दो, पाने दो, पाने दो, चले यार माल मिलेगा, पाने दे। दो 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 हो गए, ढाई। अरे मान जा भाई, ढाई मान जा भाई। ठीक है डैडी, अगर आपकी यही मर्जी है तो आप गोली चला लें। मुबारक हो, गोली रोक दे, मुबारक हो, मैं शादी के लिए राजी हूं। मुबारक हो नवाब साहब, मुबारक हो, मैं भी मुबारक हो। नवाब साहब ने अपने बेटी की शादी अपनी भतीजी से क्या करी, घर में भूचाल आ गया, लग रहा है वो मर गया है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा। बेगम साहब बेहोश होकर गिर पड़ी कंबल पर। किससे बात करूं समझ नहीं आता, अपने दिल की भड़ास निकालूं कहां पे कि समझ नहीं आता। इनका सत्यानाश जाए, बेड़ा गर्क हो जाए, कहीं जिंदगी में ऐसा घटिया खानदान नहीं देखा। हेलो हेलो, हाँ जी रूम नंबर। हाँ भाई रूम नंबर ही मिलाया भाई, तो घंटी बजे तो कहां को उठाया टेलीफोन, घंटी बजे टेलीफोन तो उठाना पड़ेगा। मैं क्या करूं लगवाया तो, मैं क्या करूं भाई, मेरा नंबर मिला है, ऐसे तो नहीं उठाया ना आपने, नंबर मिला है अपने घर से, मिला है आपके घर से, मिला है क्या, नहीं तो क्या हो जाएगा, क्या कर लेंगे आप हैं। फोन ला, नंबर मिला है, बात करो, फोन कहने के लिए करते, बात करने के लिए करते ना, तो क्यों नहीं कर रहे आप बात भाई। किससे बात करूं मैं, घर में कोई बात नहीं कर रहा यार। एक आदमी ने फोन लिया यार, कोई पागल है क्या, बेवकूफ है क्या, बात करो ना भाई, दो बातें सुन लो, क्या हो जाएगा, दिल की बढ़ाती निकल जाएगी भाई। हाँ क्या हुआ, दो बेगम साहब यार हमारे घर में शादी हो गई ना, सुन लो यार कहाँ जा रहे हो, दफ्तर फिर चले जाना, क्या मौत आ गई, नौकरी छोड़ जाएगी, मैं दिलाऊंगा यार, मेरी जगह काम कर लेना, मैं कोई बुरी जगह काम नहीं करता, मेरी जगह काम कर लूंगा, सुन तो लो बाबू सुन लो। हाँ बेगम साहब है ना हमारी, नवाब साहब है ना यार, जमाल भाई ने, नवाब साहब भाई, जमाल भाई बेटे, जानते नहीं जमाल साहब को क्या यार, तुमने फोन कटवाई दो, तुम तो जमाल साहब को नहीं जानते यार। ओ जमाल साहब, हाँ यार जमाल साहब नहीं है, नवाब साहब के बेटे, हाँ उनकी हो गई शादी, हाँ उन्होंने कर दी अपनी भतीजी से, वो तो बिल्कुल ही जाहिल लड़के गांव से है यार, वो कुछ पता ही नहीं। हाँ वो बेगम साहब बेहोश हो गई बेचारी सदमे से, हाँ डॉक्टर देखने के लिए आया हुआ, हाँ हाँ ठीक, सुन ली बुराइयां, गीबतें सुन ली, इंशाल्लाह जहन्नुम में जाओगे तुम, शर्म करो, बुराइयां सुन दो, हया करो, फोन लगवाते और दूसरे की बुराइयां सुनते हो, तुम गुनाहगार, तुम जाओगे जहन्नुम में। हाँ मिल ले भाई अशर के मैदान में, देख लूंगा तेरे को। बात सुनो जी, कौन है आप? बेगम साहिबा को भेज दे, वो बेहोश है। क्यों? मुझसे कह के थोड़ी नहीं, मर्जी की मालिक है। हाँ तुम यहाँ क्या करते हो? मैं यहाँ काम करता हूँ। हाँ, हाँ। मैं तुम्हारे पड़ोस में जो बंगला है ना, बाहर रहती हूँ, वहाँ काम करती हूँ। अच्छा, बंगला बाहर से तो बड़ा पुराना लगता है। कोई काम है तो मेरे को बोलो। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम माना। हाय अल्लाह, कितना प्यारा नाम है। आप रख ले, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हाँ। मेरा नाम मैना है।
मेरा नाम मिठू बेटा है। मैं ना और काम है तो बोलो, काम है तो बोलो। हाँ, हाँ काम बोलो भाई। पड़ोसी आप हमारे, हुक्म करो, सौ काम बोलो, बोलो बोलो। हाँ बोलो, क्या है बोलो ना। अरे बोलती हूँ, इलो जरा पढ़ दो। पढ़ दो। मैं बहुत गरीब लड़की हूँ, मेरा दुनिया में कोई नहीं है, अगर आप मेरे हमारा खुद यही धंधा, हमसे खत बढ़वाने आ गए। ऐसा पागल हूँ, भाइयों बहनों वाला खत ही नहीं पढ़ता हूँ। आइए डॉक्टर साहब, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। हमने अपनी बेगम को इंजेक्शन लगा दिया। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर फुग्गा साहब, अपनी बेगम को इंजेक्शन लगा दिया? भाई हमारा नाम है डॉक्टर मेले डोना और हम हर मरीजा को अपनी बेगम समझते हैं। आप पागल हैं, आप बेवकूफ है आप, कर रहे हैं आप। आपको क्या तमीज है, आप जिसको भी इंजेक्शन लगा दे मरीजों को उसको बेगम समझ लेते आप। आपको इसलिए लाए थे कि बेगम साहब होश में आ गया। इनसे दो दिन की खुशियां भी हमारी नहीं देखी जाती। चलिए जाइए आप, चलिए। भाई आपने हमको पहले क्यों नहीं बताया, हम उनको उल्टा इंजेक्शन लगा देते हैं। उससे क्या होता भाई, हमने अपने अब्बा जान को भी उल्टा इंजेक्शन लगा दिया था। अपना डॉक्टर उल्टा। अब आप यहाँ से दफा होने के कितने लेंगे पैया पैया। चलिए फिर क्या हुआ, कल चेलम है उनका। हम जा रहे। ओ नेस्ती, माशाल्लाह, इनमें शीशे कब लगवाएंगे आप? भाई दरअसल ये हमको नीलाम घर में मिला था। चलो माशाल्लाह, नीलाम घर में यही रह गए। हम जा रहे हैं किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाएंगे, हमारे जिस्म में बहुत दर्द है। तो आप तो खुद डॉक्टर हैं। भाई हमारी फीस बहुत ज्यादा है ना। मैं दफा हो जाए यहाँ से। चल वो दुकान पर गोश खत्म हो गया होगा, मरीज हमारा इंतजार कर रहे होंगे। चलिए 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 बाहर, चलिए बाहर, आपको आपको पहुंच जाएंगे पैसे। चलिए, ये तो डॉक्टर भी नहीं है। माने हमने कहा था कि कोई अच्छे से डॉक्टर को ले आना। चाचा, ए चाचा, हमारी बात सुनो। कहा बेटा? मन ने मुंह धोने के लिए टुट्टी खोली, पानी ऊपर से आ रहे, थारा तो सारा शेर ही उल्टा है। शेर उल्टा नहीं है, आपको पता नहीं है, आपने असल में छन्ना खोल दिया। छन्ना छन्ना। अरे उसे छन्ना नहीं कहते जाहिल, उसे कहते हैं सेवर। है? सेवर सेवर, ये देवर से बड़ा होता है। जो भी कहने। चच्चा चच्चा। हाँ बेटा। जमाल है ना जमाल। हाँ। मारे साथ बाजार को नहीं चल ले, कहवे ते अकेली चली जा। अकेली जाने की क्या जरूरत है, माँ चलू तेरे साथ। माने ये हमारी बहू है। आपकी बहू है, मातोश की जबान बोलूं। माने ये हमारी बहू है, हमारे घर की इज्जत है। नवाब ओवरले बेगुमा, इसकी जबान बोलूं। मारी जबान बोल ले, जाने मारी जबान। मत जाऊं बाजार। आप मुझे डांट रहे हैं, असल में तो आपको जमाल साहब को डांटना चाहिए। बेचारियों की नई नई शादी हुई है, सिर्फ एक बार इस्लामाबाद मरी चले गए, उसके बाद जब से आई है घर में बंद है, बेगम साहब इनकी शक्ल देख के लड़ना शुरू कर देती है। ऊपर से आपने उनको डांटा नहीं कभी बुला के कि इनको बाहर घुमाने ले जाए। जमाल बेटा, जमाल इनका नाम जमाल रखा, बताओ। जमाल हमें तुमसे बहुत शिकायत है बेटा जी, तुम ये बहू को घुमाने फिराने क्यों नहीं लेके जाते हो? क्योंकि मैंने मजीद जलील नहीं होना है। क्यों? परसों मैं लेके था शर्टन कि चलो खाना खिला लाऊं, वो बैरा को बुला के बोल रही बात सुन, वो ले आ बेसनी रोटी लहसुन की चटनी। हाँ, कल है ना समोसे में स्ट्रॉ डाल के पी रही थी। समोसे में स्ट्रॉ? हाँ, मैं कल गया था कमरा साफ करने तो बलब को कह रही थी कि इसमें तेल कहां से पड़ता है, ये बोल रही। मैं इनको कल ले जाऊंगा केएससी का मेन ऑफिस दिखाने, जहां से ड्रम के ड्रम तेल डलते ना सब बलब। हनीमून मनाने गया मैं दो से चार दिन के लिए, उसे साथ ले गया था, बताओ। हाँ, जहाज में झगड़ा कर गई इन्होंने। क्यों? वो जहाज में खड़ी हो गई, चलते हुए जहाज में 10,000 फुट की बुलंदी में जहाज चल रहा है, वहां खड़ी हो गई, बोल रही है जहाज रोको, मेरा दिल घबरावे। जहाज रोको,
हाँ बोले रोको जहाज मैंने रोको मैंने बाहर जाना रोको हाँ। नीचे कोई गांव आ गया बोली मारा गांव में कूदूंगी ये कूदर पकड़ लिया इनको वो पायलट का हाथ खींच लिया तू जहाज क्यों ना रोक के वो यूं हो गया जहाज ये रस्सी पे गिर गए मैं इन पे गिर गया तो ये मुझे बोल रहा है मेरे पे से नहीं उठी हो ये बोल रहा मजाक नहीं सर इन्होंने बोला अरे वो तो गांव की लड़की थी जाहिल लड़की थी लेकिन तू तो पढ़ा लिखा है पढ़ा लिखा है कल ले गया था शॉपिंग कराने वो फकीर ने कहा अल्लाह तेरा शौहर सलामत रखे तू उससे कह रही है शौहर कौन ये तो मेरा ताऊ का बेटा मेरा भाई है इनको बता दो तो कौन है भाई भाई कह देती है अरे बहू ये तुमने अच्छा नहीं किया बेटा ये तुम्हारा शौहर है तुम्हारा मजाजी खुदा है ये मैंने क्या पता ये मारा कौन है मुबारक हो नवाब साहब बेगम साहिबा को होश आ गया है अल्लाह तेरा शुक्र है खुर्रम नाम रखेंगे माने ये कैसी खबर है नहीं आप ध्यान ना दें ये अफवाह है बेटे जमाल जाओ बहू को जरा शॉपिंग वगैरह कराओ हाँ तो शॉपिंग करा लो क्योंकि इनको देख के ना वो बेगम साहब गुस्सा चढ़ता है इनको पहले बाहर निकलो हाँ बेटा तुम जाओ उसे होश आ गया मैं भी चल लूँ चलो 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 जाओ बेटा जाओ अल्लाह अल्लाह ओ मेरे खुदा बेगम साहब को देखो लग रहा है तंदूर में पराठे लगा के ऐसी तबीयत है नसीबे दुश्मना जी रही हो अपनों में गैरों की तरह अरे भाई बेगम यहाँ गैर कौन है सब अपने ही तो हैं इस लड़की को देखो तकरीबन अपनी ही लड़की है और ये लड़की ये तो है ही अपनी लड़की है और वो लड़का वो आप ही का बेटा है और मैं अपने घर का बेटा हूँ ये तफसील में ना जाए बल्कि बिस्मिल्लाह करके झगड़ा शुरू करें हाँ अरे भाई बहू सास को सलाम करो सलाम सर समुद्र पे चलेंगे अम्मी को साथ ले जाएंगे ये ट्यूब के काम आएंगी हाँ जब तक तैरेंगे तैरेंगे फिर पंचर कर देंगे जो किसी और को बेइज्जती का मौका ही नहीं देती नहीं नहीं वो कह रही अम्मी नहीं नहीं लकड़ी की टाल वाला नहीं हो वो बोल रहे थे यार हमारे यहाँ कभी कभी बहुत ज्यादा लकड़ी के वो आए थे ना आदमी पांच मन छह मन के वहां पर भट्टे नहीं है अच्छा। तो बेगम साहब ने बोलना कभी चक्कर मार लेगा ये सब तेरी वजह से हो रहा है कैसी खड़ी हुई है सजी हुई कंबखत मारी सारा जेवर मेरी शादी का इसको चढ़ा दिया अब देखना मैं तेरे साथ क्या करती हूँ तेरे ऊपर सौतन लाऊंगी सौतन मैं तो सही आ रहा हालात ठीक हो गए हालात सही हो गए मैं ले अब हालात सही हो नहीं हो मैं दूसरी शादी इसकी करवाऊंगी मैं तीसरी शादी नहीं करता वो दूसरी तीसरी मैं समझा माने भी एक कराएगा ना तो इसलिए मैं शादी नहीं करवाएगा शादी तो तेरा बाप भी करवाएगा अब्बू कर ले चलो बच्चे जिद कर रहे हैं तो एक और सही चलो
समझाती हूँ, समझ गए? साजिदा की वजह से मैं कुछ नहीं कह रही, साजिदा मुझे समझाती रहती है कि तुम्हें कुछ ना कहूँ। और क्या, इसमें फाखरे का क्या कसूर है बिचारी? आपकी फिर बोलो ये बोली बीच में। समझदार जो इस घर में किसी ने नौकरानी को वो गलती हो गई, माफी चाहता हूँ जी। आप फटा शुरू करें। फटा क्या, इसको बहुत मारेगा तो मैं नाक पीटूंगी। सत्यानाशी कहीं की कैसे देख रही है मुझे टुकर टुकर। ए सासू, देखो बच्चा समझ के मार दिया। तमीज में रह के बात कर, थारी औकात से ज्यादा जहर लाऊं। ए चाचा। हां बेटा। ते बोलता क्यों नहीं, मारे खानदान को बेइज्जत करने लायक नहीं है। ए, वो क्यों बोलेगा? तू बोल तन्ने मन्ने की औलाद। चुप करके खड़ी हो जा, बकबक ना कर, करेगी तू मेरा बेटा। तेरा सत्यानाश जा बेड़ा घर की कहीं के, तू तो हाँ बेगम, बेगम का बच्चा। ओ तो बेगम साहबा का बच्चे है, है ना? शैतान बताया भी नहीं, उनके बड़े भाई हुए आप। अरे गुस्से में कह दिया उन्होंने। उन्होंने पक्का पक्का कहा है। नहीं नहीं, वो गुस्से से कहा यार। अच्छा, गलती से कह दिया। ए चाचा। हाँ बेटा। ते हमारी भी सुन ले। कहा बेटा? हमारी इस घर में फिर बेइज्जती हुई ना, मैं अपने अब्बा को खत लिखो। उरी, आपको लिखना आता है? मारे अब्बा को कौन सा पढ़ना आवे। चलो ये खतों किताब ठीक रहेगी, बताते रहेंगे जाते रहेंगे, समझ में कुछ नहीं आएगा। मैं अपने अब्बा को खत लिखूं, मारा भाई आवे, मन्ने और मेरा सारा जहेज का सामान ले जावे, थारा के हसर करे दुनिया देखे। हाँ। समझ गए थे? हाँ। ए चाचा। हाँ बेटा। ते ये घर का सारा सामान हटा दे। क्यों? मैंने भैंस बांधनी है। अब ड्राइंग रूम में भैंसे बंधेंगी। वाह वाह वाह, आप गाय भैंसों के पास खड़े होंगे और लोग कहेंगे कट्टा बड़ा कमजोर है। इस घर का यही अंजाम होगा। बस मुझे रोकना मत, मैं खुदकुशी करने लगा हूँ, अपना गला दबाने लगा हूँ। माने आगलिए मत, खुदकुशी कीजिए, दो चार दिन इंतजार कीजिए, इस सेहत पे आप कभी भी मर सकते। हाँ ये नहीं, क्यों? मैं मरूंगा माने, मैं अपना गला दबा के मर जाऊंगा। नहीं नहीं, नहीं। माने मत रोक, मत रोक। मैं हूं भाई। ये तू है? तभी तो कहूं मुझे तकलीफ क्यों नहीं हो रही है। अभी तकलीफ हो गई। हुई ना थोड़ी? हुई नहीं। अच्छा, मेरा गुस्सा ठंडा नहीं हुआ माने, मैं जा रहा हूं खुदकशी के लिए। अच्छा, तुम मेरा यही इंतजार करो माने, मैं अभी गया, अभी खुदकशी करके अभी आया। सरकार खुदा के लिए खुदकशी मत कीजिए, देखिए जबान का पास कीजिएगा, ऐसे मत आइएगा। खुद खुदकुशी खुदी है, साइड नौकरानी। क्या वो जमाल साहब खुदकुशी के लिए गए? क्या? हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, जमाल ऐसे नहीं कर सकता। हा? जमाल, जमाल। अरे मैं इसके चक्कर में, जमाल के चक्कर में क्या मुसीबत हो गई भाई घर में? माने। हाँ माने, वो जमाल साहब खुदकुशी करने गए। ये देखो, ये देखो, अभी जल्दी चलो, इस तरह तो अप्रैल में पहुंचोगी जब उनके चेलन भी हो गया होगा। पहले वो डब्बा गुजरने दो, जाओ सुनो। क्या बात है, तेरी बातें बड़ी मान रही है। तावीज करवा रहा हूँ इसमें, सिफली करवा रहा हूँ, सिफली। कमबख्त मुझे भी तो बता ऐसा इलम। क्या आपको क्या परेशानी है मुझे बोलो? मैं जो इतनी परेशान हूँ, मैंने अपने मियाँ पे करवाना है तावीज, मान के ही नहीं दे रहे। शाजिया को बहू बना के जरूर लाना माने। अरे क्या कर रही है बेगम साहबा, खुदा का खौफ करें, एक बेटा है, कभी आप उसकी शादी आप करवा रही, कभी साहब करवा रहे हैं, वो बेचारा पागल हो जाएगा। आदमी क्यों उनकी जिंदगी बर्बाद कर रही है, उस लड़की पे शौकल लानी जरूरी है क्या? माने मैंने तुझे हमेशा अपना बेटा समझा है। देख तुझे मुझे तरकीब बतानी होगी, मैंने शाजिया को हर मुमकिन बहू बना के लाना है, मेरा इकलौता बेटा है, बाप ने खुश
खुशी पूरी कर ली, मैं खुशी ना पूरी करूं? अच्छा ठीक है, आप ऐसा करें कि मेरा दोस्त है वो शादी की तरकीबें बता रहा, उसी को ले आता हूँ। ओ आपके सितारे सुपर हिट जा रहे हैं, वो दरवाजे पे जा रहे हैं। ले आ कंबखत, बुला दो, आ जाए आ जाए आ जाए। ये कंबखत मेरे लिए क्या करेगा, इसने अपने लिए कुछ किया है? क्यों नहीं किया, अपनी सेहत को तबाह किया है, इससे ज्यादा ये क्या कर सकता है? बेटे ध्यान से, ये नवाब साहब की बेगम, ये सारी बेगमें उनकी है? सारी का एक ही है वो। अच्छा अच्छा, मुझे किस लिए बुलाया है? मुझे बुलाया भाई, मेरा जरूरी काम है, जमाल साहब की शादी करवानी। अच्छा हाँ, 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 अपनी भांजी से करवाना चाहती है, कोई ऐसा आइडिया दो? यूं मान लिया, इतना बावला नहीं हूँ मैं। कितना बावला है? अपने अपने जदीद कंप्यूटर में जब सोने का तेल चलेगा, जब अपना जहन चलेगा। हाँ पैसे, समझ गया समझ। मैं पहले ही हिरसी के लिए लेके खड़ी थी, ले ये लो ये लो, चलो शुरू हो जाओ। बस ये करना यूं है कि एक तेज तार खंजर ले, उसे अपनी गर्दन पे रखें। गर्दन कायम की, इनका तो पूरा गर्दना है। आप बकवास क्या? अच्छा अपनी गर्दन पे रखें, अपने बेटे को बुलाएं, उससे कहें अगर तूने दूसरी शादी नहीं की तो मैं अपना खून कर लूंगी। मैं एक तेज धार खंजर लूंगी, हाँ, गर्दन पे रखूंगी, हाँ, और गर्दन पे रख के कहूंगी, पीछे पीछे आंदा मेरी चाल में जीए वाले। खंजर कहाँ रखा है? तो इस बोर्सी खाने में। तेज तो नहीं है? नहीं नहीं, बर्फ का बनवा दूँ। नहीं, मैं माने में खंजर ला रही हूँ, तू सबको जमा कर देना। हाँ, और तू सब सब मेरा साथ देना, याद रखना माने, तू मेरा आदमी है। ठीक है। नहीं नहीं, मेरी पार्टी का आदमी है। ऐसा बोलो मैं वो मेरी जान निकाल दिया। अरे मेरा मालिक, ये इस आदमी की जिंदगी बर्बाद करके रहेंगी बेगम साहिबा, बताओ कभी होश आए? खंजर असली वाला गर्दन पे रख रही हूँ, सबको बुला लेना। अच्छा हजरत एक ऐलान सुनिए। क्या? मरने से पहले चंदा लेके मरेंगे आप? हजरत ये क्या कर रही हैं आप? तू फिर मरिए मर। हाँ देख मेरे को चुभेगा, जल्दी बुला। हाँ मैं चल चल। अच्छा जल्दी बुला बुला। घर वालों, अरे माने घर वालों, बचा सकते हो तो बचा लो बेगम साहिबा को। अभी तक चलाया नहीं माने, क्या बात है? क्या कार खुदकुशी कर रही है बेगम साहिबा? माने मैं जा रही हूँ, इनसे कहो मेरे कफन दफन का इंतजाम कर दे। माने बेगम साहब ऐसा करते हैं, जला देंगे। माने उसकी बेगम साहिबा को रोक लो बेटा, खुदा के लिए रुक जाइए बेगम साहिबा। नहीं माने, अगर मेरी बात नहीं मानी गई, शाजिया इस घर में बहू बन के नहीं आई, इसने शादी नहीं की, तो माने मैं जा रही हूँ। नहीं नहीं, खुदा के लिए रोक लीजिए, सोचिए अगर ये मर गई तो उठाना भी हम नहीं है। ये सोचिए जमाल, बेटा खुदा के वास्ते अपनी माँ को रोक लो बेटा। माने माने मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ टाइम नहीं है इनके पास, ये शाम को दोजख में मेहमान खुसूसी भी है। अरे तुम दोनों बचा लो इसे, इसे रोक लो। माने गिनती गिन माने। तीन तीन तीन। ये कैसी गिनती? मैं वो वाली मैं नहीं गिन सकता, ये लोग तो मरते मरते नहीं है, मेरे फेफड़े बाहर आ जाएंगे। माने धोखा कर रहा है, माने तुम तो हमारे आदमी हो। इनकी पार्टी का, पार्टी का, पार्टी का। खुदा करिए बेगम साहिबा कॉमेडी खुदकुशी मत कीजिए। मगर बेगम साहिबा दूसरी शादी के लिए आपको फाकरों से इजाजत लेनी पड़ेगी। हाँ इजाजत इनसे लीजिए, इजाजत जल्दी जल्दी। माँ इजाजत? हाँ ठहर इजाजत। माँ एक शर्त पे इजाजत दूँ, माँ इस घर में कोई बेइज्जती ना करे। ना ना, सारे सुबह उठ के तने सलूट करें। ये सासु मन ने मारे ना, डांटे ना, डांटे ना, तने नोट बट्टे। हाँ ठीक है ठीक है। चच्चा चच्चा। हाँ बेटा। तै मैंने दुम्बा खरीद दे। अबे कौन लोग है ये, वो मरने के लिए खड़ी हो, दुम्बे ले रही है। मैं कह रही हूँ मेरी बात मानो, इसके चक्कर में नहीं रहो, तन्ने मन्ने के। देख तू अगर मेरी बहन होगी तो ज्यादा पी देगी। ना निकाह पे हमला कर रहे हैं, निकाह पे हमला किया आप। मैं घबरा रही हूँ, मैं मर रही हूँ, जाओ। जल्दी बोलो, इज्जत है उसकी तरफ से, इज्जत है।
तम्बाकू इतनी चुप गई जब ली तूने। चल शादी, खुदा का शुक्र है इजाजत हो गई। देखा माने किस तरकीब से हमने हाँ करवाई है, हमारी तरकीब की दाद। पढ़ूं खत के मुज़मू ज़ुबानी
जबानी सुनाओ। अरे बंद करो ये हंगामा, दबा हो जाओ यहां से। नवाब साहब हम ऐसे नहीं जाएंगे, मुफ्त में रक्स देखते रहे, हमें ईदी दीजिए, बधाई दीजिए। हैं? खत्म हो गई ईद की, तो दबा हो जाओ यहां से। ऐसी बातें ना करें नवाब साहब, सीधी तरह ईदी निकाल दीजिए, वरना हम आप पे संगीन इल्जाम लगाएंगे। इल्जाम? कैसा इल्जाम? ये बच्ची आपकी है, है? अरे ये चीज जबरदस्ती है, या तो मैं तुम्हें ईदी दूं, या फिर ये कहोगे कि बच्ची हमारी है। आपका खून क्यों सफेद हो गया नवाब साहब, ये बच्ची आपकी है। मैं कहता हूँ इसी वक्त इसी लम्हे दफा हो जाए यहाँ से। बापरा अब्बू के गले लग जाओ। है? अरे निकल जाओ मेरे घर से। अंजुमन अब्बू के गले लग जाओ। टुक टुक के देख रहा झाड़ू पीटे है? हम झाड़ू पीटे? मैं कहता हूं एक मिनट में दबा हो जाओ यहां से। हम तो यहां से चले ही जाएंगे नवाब साहब, मगर जाने से पहले आप पे फटकार जरूर डालेंगे। बाबरा इन पे लानत डालो। लानत तेरी शक्ल पर। अंजुमन इन पे लानत डालो। लानत। अब मैं लानत डालने आ रहा हूं, हालांकि मेरी तबीयत ठीक नहीं। यही वो फैमिली है जिनकी
वजह से अंग्रेज हमसे फ्री हुए। माने सरकार, आपने उल्टे बैठ के होंडा चलाई। माने मैं बाहर सोऊंगा। बाहर सोएंगे? बाहर सोऊंगा। अंदर क्यों नहीं सो रहे? माने अंदर दो भाऊ। भाऊ? अंदर दो भाऊ। ओ अच्छा, जब शादी एक्ट पे हाँ कर रहे थे जब नहीं सोचा उसको, तो ठीक है अम्मी मैं राजी हूँ, अब बोले अंदर दो भाऊ। माने बुरी बात, आप होश पकड़े, आपके दो साले आ रहे हैं। साले? जी हाँ, और आपकी बीवियों ने कहा कि यही खड़े होकर उनका इस्तकबाल करें आप। समझ गया? मैं इस्तकबाल करें आप, मैं अंदर खाने पीने का इंतजाम कर रहा हूँ। माने जी, मेरा हाथ कहाँ है? जेब में। अपनी चीजों का ध्यान रखा करें। माने अंदर दो बहू। बहन अस्सलाम वालेकुम। अब्बा जान की तरफ से प्यार। मैं कहा हूं बहन? मैं यहां हूं, टेढ़ा हो गया। चाचा जान ने कहा था सर पे से हाथ फेरना। मैं कहा हूं? मैं यहां हूं। अब नाना जान की तरफ से बहुत बहुत प्यार। माशाल्लाह, बड़ा कम प्यार करते हैं आप लोग। अभी तो आधा खानदान बाकी है। मैं बाकी नहीं रहूंगा। बहन मुझे पहचाना आपने? हाँ, पीछे अभी बकरीद में आपकी तस्वीर आई थी है? नीचे लिखा हुआ था 50,000 रुपए कीमत। मैंने भी आपकी तस्वीर देखी है। कहाँ? हिंदुओं के मंदिर में। नीचे लिखा हुआ था गुनाह करोगे तो ऐसे हो जाओगे। बहन पता है आप हैं कौन? आपको शादी में नहीं देखा मैंने। मैं फाकराबाजी का भाई हूँ, कुश्ती थी मेरी उस दिन जिस दिन शादी थी। अच्छा अच्छा, कुश्ती थी आपकी मिस्टर तरबूज? अंग्रेज पहलवान से कुश्ती थी भाई। जिस टाइम अंग्रेज पहलवान को लाए हैं हाँ। तो लोगों ने पटाखे छोड़ दिए। ओए होए। और जब मुझे लाए तो कुत्ते छोड़ दिए। बहन जैसे ही वो आया है उसने आते ही मेरी आंखों में हाथ डाल दिया। मैंने उसकी जेब में हाथ डाल दी। इतना बावला भी नहीं हूं मैं अब। भाईन उसने मेरा गला पकड़ा। ओ! मैंने कहा लड़ाई में कौन गला पकड़ता है? उसने मेरे बाल पकड़े। मैंने कहा लड़ाई में कौन बाल पकड़ता है? उसने मेरा हाथ मोड़ा। ओ! मैंने कहा लड़ाई में कौन हाथ मोड़ता है? उसने मेरे सामने हाथ बात बांधे और कह लगा मैं कुश्ती सीख के आता हूँ। आपने छोड़ा मैंने पकड़ा। आपके अब्बा कैसे हैं? अब्बा जी आजकल चास चला रहे हैं। कल की बात है, चास में जा रहे थे, चास के चैन में उनकी धोती अटक गई। जैसे जैसे चैन चलती जाती धोती लिपटती जाती थी। जैसे जैसे चैन चलती जाती धोती लिपटती जाती थी। आखिर में पूरी धोती लिपट गई। लोगों की आंखें बंद हो गई पाए और अब्बा जान घर पे आ गए। मेरे को ये बताइए कि जहाज में चैन आपके दादा ने लगाया था। दरअसल उन्होंने अपनी साइकिल का नाम चांद रखा हुआ है। वेरी गुड, आपकी बातें बहुत मजेदार है ईमान से मिस्टर हैंडल। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। तू इसकी खातिर कर, ये मेरा साला है, मैं जरा बाहर होके आता हूँ। बाहर इधर हो गया। आओ भाई, मैं तो समझा कोई जैस रह गया था वो वापस करने आए। अच्छे भाई फाकरा बाजी का है। मेरे पास रखवाई थी। पर हो गए मोरा। मेरी बाजी को बुलाओ। तेरी बाजी को बुलाते हैं? सीधे रहो, सीधे रहो। ला रहा हूँ। ये रास्ता कहाँ जाता है? ला रहा हूँ।
जब से तू यहाँ आई है सब खैरियत ही है। और सब खैरियत है? अल्लाह का करम है बाजी, हमारा वो नींबूओं का दरख्त है ना, हाँ? उसमें इतने बड़े बड़े तरबूज लगे हैं। हाँ? हमारी मुर्गियों के बच्चे ने दो बड़े बड़े बकरे के बच्चे दिए हैं। कहाँ कहे थे? हाँ बाजी, बाजी भाई मैंने दूल्हा भाईजन को देखा है, माशा अल्लाह फुटबॉल की तरह लग रहे, जो पिंचर फुटबॉल होता है। कैसा हो रहा है तू गोलगप्पे? ये कौन है? ये मेरी बहन है। इधर आ जा फिर। ए सहेली कैसी हो? कहाँ कह रहे थे? मतारी सहेली चल मर। किस पर? दवा। कहाँ? वहाँ। कितने बजे? कहाँ ए सहेली जरा हंस के दिखाओ। ओ बेगैरत, तेरी बहन मुझे देख के हंस रही है। कौन है भाई तू और क्यों यहाँ आया है? और मैं शाजिया का भाई, प्लीज मुझे नहीं पहचाना? शाजिया, शाजिया। हेलो भैया। हेलो शाजिया। माशाल्लाह माशाल्लाह शाजिया, कितनी खूबसूरत लग रही हो। अल्लाह लिपस्टिक कौन से नंबर की लगाई है? 22। अल्लाह बालों को पंप भी किया हुआ है, उसके तो हो ही नहीं सकता। ऐ सहेली जरा हंस के दिखाओ। अबे गरत, तेरी बहन मुझे देख के हंस रही है। क्यों हंसती हो तुम? मन ने कह दे हंस, मां हंसा। मन ने कह दे हंस। सफर तो खैर से गुजराना भैया। क्या खैर से गुजरता? सारे सफर में डब्बे बदल बदल के आया हूँ। क्यों? टीटी आता मुझे जनाना डब्बे में बिठा देता, औरतें उठा के मुझे मर्दाना डब्बे में फेंक देती, और मर्द मुझे हर स्टेशन पे उतार देते। अल्लाह, बड़ी मुश्किल से इंजन ड्राइवर के साथ बैठ कर आया हूँ। मान से ना, इंजन ड्राइवर बहुत ही सोफिस्टिकेटेड आदमी था, मेरा सारे रास्ते ख्याल किया उसने। तभी कहता हूँ गाड़ी रोड़ी पे क्यों नहीं रुकी। भैया घर में तो सब किस्म की खैरियत है। खैरियत से है, बस मैं ही नसीबो जला यहाँ आ गया। मार दूंगा। तू मुझे मारेगा? हाँ। ले मार। एक मर्तबा और मार। वाह भाई वाह, अकेले ही खेल रहे हो, हमको भी खिलाओ। तू भी खेल ले। और एक और भाई। तुझे तो चस्का ही पड़ गया। ए सहेली जरा हंस के दिखाओ। ओ बेगैर, तेरी बहन मुझे देख के हंस रही है। बेगम साहबा जरा हंसना। ओए बेगैरत, ये क्या है? ये मेरे भाई हैं। कसम खाओ ये भाई है। हाँ हाँ समझ गया, जब ये पैदा होने वाला होगा तो अब्बा ने कहा होगा अल्लाह में लड़का देना, अम्मी ने कहा होगा नहीं अल्लाह में लड़की देना, अल्लाह ने दोनों की सुन ली ये दे दिया। बस दुआओं से बना ना तू। बारा भाई पहले आया, तुम्हारे भाई से मिल। नहीं भाई आया, भाई आया, पहले मेरे भाई से मिलो, पहले मेरे भाई। और राम से क्यों नहीं खड़ा होता है? अल्लाह, तूने मेरी बहन की सुहाग को मारा है, मैं तेरी बहन की सुहाग को नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे मेरी बाजी के जोर को नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह, तूने मेरी मेलोई पे हाथ उठाया है,
भाई कहाँ है ये तो पता ही नहीं क्या है ये। ना ना मारा भाई पहले आया थे मारे से में रहेगा। नहीं मारे से में रहेगा। मारे से में रहेगा। भाई क्या मसला है? अल्लाह अंकल चाचू सलामुलेकुम 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 लीड ले ली है। बेटे जमाल हम भी यही सोच रहे हैं कि इससे मिलने के बाद ये हमें क्या हो गया? आपको मम्मी भी हो गया है साथ में। बेटे क्या मसला है? मसला कुछ नहीं है, ये खड़ा है ना खड़ी है पता नहीं क्या है ये कह रहा मेरा भाई है और ये तरबूज बोंगलू ये इसका भाई है। तो मसला क्या है बताओ? मसला ये है कि ये हमारे वाले हिस्से में रहेंगे। ना ना चच्चा मारा भाई पहले आया कि मारे साथ रहेगा। रहेगा नहीं, हम फैसला करेंगे कि कौन किसके हिस्से में रहेगा। हम नवाब हैं। जी नहीं आप बंगाली हैं? वो टोपी के वैसे में धोखा खाता हूँ। हमारी औलाद हो बेटा। ये मैंने कब कहा है? तुम इनके भाई हो तुम इनके हिस्से में रहना। बेटा तुम इनके भाई हो तुम इनके हिस्से में रहना। और बेटे जमाल जी तुम दोनों हिस्से में आते जाते रहना। चलिए भैया चलो। धोखा खा गई ना मेरी सादगी की वजह से। जी मैं ही जमाल हूं। ओ तो आप जमाल हैं। लेकिन जमाल को तो मैंने देखा हुआ है। मैं माना हूं। माना ऐसे चक्कर चलाता हूं चल जाए तो ठीक है नहीं तो अच्छा। नौकर तो मैं पक्का हूं ही ना। फिर ये बताइए जमाल साहब कहां हैं? वो कंपोचिया गए। कंपोचिया? हाँ जी हाँ। कब तक आएंगे? ये कोई 400-500 साल में आ जाएगी। लेकिन मेरे लिए तो ये बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ओ प्रॉब्लम? जी। इंग्लिश मीडियम? जी। को एजुकेशन? जी। पढ़ी लिखी लग रही हो? जी हाँ। उर्दू पढ़ लेती है? जी। ये क्या बेहूदगी है? ये बेहूदगी नहीं है, ये मुझे यतीम खाने वालों ने सर्टिफिकेट दिया। ठीक है। उन्होंने कहा काम पे लगे रहो इंशाल्लाह बरकत होगी। आप जमाल साहब है तो ने बता दीजिए कि मैं आई थी। जी एक्सक्यूज मी। जी आपके घर तंबू लग चुका है क्या? तंबू? हाँ हाँ तंबू मुस्कुराहट तंबू पीपड़ी पा 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 पा। आ हा वो मेरे बेटे के हकीके में तंबू ही लगे थे। सुनिए बच्चों से कहिएगा मामू ने प्यार कहा। माने जी क्या हुआ? अरे ये आपको मार मार के किसने नीला किया? यार बस छोड़ नहीं बातों को। क्या पहन लिया? तोता कलर? सरकार बहुत सी कमीज मुझे देंगे अगर आपको खुशखबरी सुनाओ। हाँ हाँ एक खातून आई थी अभी। हाँ लड़की बोल रही थी आपने कोई है ना 10 लाख रुपए जमा कराए थे कभी कहीं से लेके? कहीं से लेके क्या? हमारे अपने थे 5 साल पहले कराए थे। ओ 20 लाख हो गए? नहीं नहीं हाँ हाँ मैं अभी साजिदा को बता के आता हूँ। साजिदा को क्यों बताते हैं हर बात आप? नौकरानियों को पैसे दिखाते हैं आप लोग। नौकरानी? और वो भी लाखों। जब ही तो कल मैंने उसे 160 दिखाए तो वो हंसने लगी। भाई कहाँ से जमा करके लाए थे 10 के नोड़े? वो हंस के पागल हो गए बोलिए क्या पैसे है? तो आपकी वजह से आप लाखों रुपए दिखाते हो। तुम पैसे दिखाते हो? हाँ। क्यों क्यों दिखाते हो? शादी करूं उससे मैं उसे दिखा रहा हूं मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। दौलत दी अल्लाह ने दिखाऊं नहीं क्या? 160 भाई और क्या 160
दस दस के 16 नोट उस पे सर। हाँ ऐसी मामूली बात नहीं है, मैं उसके ऊपर मेरी नजर है, मैं उसका ध्यान रखता हूँ। कल रात भी मैंने देखा कि उसके क्वार्टर की तरफ से एक मशकूक आदमी दबे पांव गया। गौर से तो नहीं देखा? नहीं, मेरी नजर पैरों पे थी। बस सही है, आप जरा मुझे दबे पांव चल के दिखाएं। कौन मैं? अभी लो। यही है वो। अबे पागल हो गया, कोई लड़की से मिलने दबे पांव जाएगा? ऐसे जाएगा जाते हैं उनके क्वार्टर की तरफ। हाँ, हाँ, ये माने ये बात नहीं है। सुन, ये 20 लाख रुपए समझ ले तेरे हुए आज से। तेरे हुए? तेरे हुए 20 लाख? तेरे हुए नोट लगा लगा तो वापस ले रहे हैं आप? कोई नहीं, कुछ डरे नहीं, घर का बल्ब फटा। चलो 20 लाख तेरे हुए, 20 लाख मेरे हुए। तो ये तो आप नोट लगा लगा के वापस ले रहे हैं, ऐसे थोड़ी तेरे होते हैं। तेरे हुए कैसे? तेरे। अब हुए मेरे, अब हुए। ऐसे बोलो, तेरे हुए तेरे, तेरे हुए तेरे। नहीं यहाँ बोलो तेरे, तेरे। हाँ मेरे, मेरे 20 लाख तेरे, तेरे। इस तरह के तो करोड़ों मुझसे ले ले आप। ये ले, ये ले, ये भी ले, ये ले। ऊपर सब लो, वो दौलत बरस रही है, ले लो, ये लो। जमीन से खसरा निकला, ये भी लो। अमेरिकन डॉलर है, ये भी ले ले। सब लो, ये लो। अबे ये क्या? ये बैंकॉक की करेंसी है, ये भी लो, ये भी लो। ये क्या? ये लालू खेत की करेंसी है, ये भी लो। पैसे को देते क्या, जाली टेस्ट देते? अरे यार ऐसी बात नहीं है, 20 लाख तेरे हो सकते हैं, मगर इसके लिए तुझे एक काम करना पड़ेगा। 20 लाख में एक काम? हाँ। अरे क्या बात कर रहे हैं, मैं तो 20 लाख के लिए बम पे बैठ के बर्तन मांज सकता हूँ। काम बहुत छोटा सा है मेरी जान। बोले मेरे दो साले नहीं है? हाँ। एक साला एक साली है, पता नहीं क्या है। हाँ। उनको निकाल दे यहाँ से। दोनों को निकालना? निकाल दे, लेकिन एक काम मेरा भी करना पड़ेगा। दोस्त तू तेरे लिए करूंगा यार। इधर आए, बता। ये ले। क्या करूं? साजिदा को दे दे। अभी दे क्या? दे 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 दे। दे दो नौकरानी को, उसको बोलो लगाओ, जुमे के जुमे लगाओ, मैं सूंघूंगा। जाओ उसको बोलो। तो बोलो। नहीं नहीं, ये मैं नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे? फिर मैं भी वो काम नहीं करूंगा, आपके सालों को नहीं निकालूंगा। चलो ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, तुम्हें निकाल देना उनको। ठीक है, वो यहाँ नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। जाओ आप नौकरानी को ये दो, बात आगे बढ़ाओ, बात आगे बढ़ाओ। मेरे लिए रास्ता साफ करो। जाओ 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 जाओ, निकाल देना उनको। ओए बारे पहलवान, ओए फटे पहलवान साहब, आओ आओ। पहलवान जी। हाँ जी। आपको एक बात बतानी है। बताओ। ये शाजिया का भाई नहीं है वो, आपका कत्ल करना चाहता है। इसको बाहर बुलाओ। वो कहता है कि आप बेगैरत हैं। सही कहता है, हैं? मैं कहता हूँ बाहर बुलाओ उसको। बाहर नहीं आ रहा वो, कह रहा मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। वो कहता है ये पहलवान नहीं है, ये तो अखाड़े की मिट्टी के ऊपर पानी का छिड़काव करता है। मैं कहता हूँ बाहर बुलाओ उसको। बड़ी बात करता है। क्या कहता है? इनके घर खाने को नहीं है, जब तो बहन के घर खाने आया ये। उसको बताओ, खाने तो शुरू ही हमारे यहाँ से हुए। मैंने बोला भाई हमारे यहाँ की रोटियों के बारे में बताओ, कितनी बड़ी बड़ी रोटियां होती है हमारे। बड़ी बड़ी मैं छानों पर लपेट के रखते हैं। इनके रोटी एक रोटी थोड़ी मांगते हैं, 2.5 गज रोटी तो दे यार। खुद पता मेरे को। बताओ कितनी मोटी मोटी रोटियां होती है। ये बारी बारी मजदूर उठा के प्लेटों में रखते हैं भाई। मैंने बताया मेरे तो भतीजे की मोटी रोटी के नीचे आके हुई है। हाँ बताया मैंने। और उनको बताना चावलों के मामले में हम बर्तनों को तकलीफ नहीं देते। हमने कमरे में ये चावल बिछाए और मश्क से दाल का छिड़काव किया ये। और बेलचे से खा गए। सब पता है। और गोश्त के बारे में भी बताओ। गोश्त का बताया? ये बड़ी बड़ी बोटियां, एक दिन दादा जान गोश्त की बोटी खा रहे थे, गलती से हड्डी निकली, उन्होंने फेंक के मारी, दादी की पुड़पुड़ी पे लगी, दादी वहीं मर गई। चाचा चावल खा के मर गए, फूफी दाल में पिसल के मर गई। हमारी तो अक्सर मौतें खाने पे हुई है। हमारे अब्बा खुद पीने की वजह से मरे। अच्छा क्या पिया था उन्होंने? वो दरिया रावी में रूह अफजा डाल के पी गए।
और बोलो, इत्तफाक से मेरा भी यही काम है। बहन की इज्जत का सवाल है, उससे डरना नहीं। बाहर बुलाओ उसको। बुलाता हूँ। बाहर आओ मेमूना। आओ ये तुम्हें कत्ल करना चाहता है। और इसकी ये हिम्मत। हिम्मत? हिम्मत, हाँ हिम्मत। इसकी ये हिम्मत कही है, इसकी ये हिम्मत। और इसकी ये हिम्मत। हाँ वेरी गुड, शाबाश। इससे डरना नहीं, तुम्हारी बहन की इज्जत का सवाल है। ये कहता वो तुम्हारी बहन को भाई के बगैर कर देगा, बिल्कुल जिंदगी बर्बाद कर देगा तुम्हारी। ये क्या हमारी जिंदगी बर्बाद कर देगा, मैं खुद इससे बहुत बड़ा गुंडा हूँ। वो तो लग रहा है भाई, ये तो आपका बता रहे क्या गुंडे है। मैं समझ गया हूँ आपकी गुंडागर्दी, मैं फटना शुरू करा था। डरना नहीं, बिल्कुल नहीं। ला जवानो दंगल शुरू होने लगा जे। लगा डगा। और डगा 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 अल्लू भाई सही तो बोला, सारा मोहल्ला आपको कल्लू भाई बोलता है। क्या बकवास है, विमान से आपकी बीवी बाहर जाती है, सारे औरतें को देख देख के गाने गाती है। कौन सा तू कल्लू की बीवी। सरकार बड़ा जबरदस्त झगड़ा करा दिया है, पहलवान का उसका दोनों भाई होगा। बस सही है, बस मैं बाहर जा रहा हूँ फट्टे को हवा देने के लिए। हवा दो, पेट्रोल डालूंगा आपके ऊपर। आप ये शीशी अभी तक दी नहीं आपने? मैं दे दूंगा। बस उसको दे दें, मैं आपको एक एक मिनट की खबर दूंगा झगड़े। बस सही है। अच्छा हुआ तुम आ गई, ये लो लगाओ जुमे को सूंघेगा वो। क्या बदतमीजी है ये? वो माना सीरियस हो गया तुमसे। मुझसे? जी हाँ, मेरे घर में मेरा अजीब किरदार कर रहा हूँ। तो जमाल से समझाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? क्या खास समझाऊं? इधर आओ। क्या खास समझाऊं? वो तो अजीब अजीब फरमाइशें कर रहा है मुझसे। क्या कह रहा? उसको जॉब मेरे लिए सेट करो। मुझे गैरत आई नहीं। देखा मेरे सामने यूं यूं कर गया। यूं तो ये यूं यूं क्यों कर रहे? तुम्हारी गलती है इसमें, मेरी गलती है। खुद ही समझाते उसको। बड़ा लंबा झगड़ा हो रहा भाई। होने दे भाई। आप जो कुछ भी कह रहे हैं मेरी तरफ से कह रहे हैं, आप सुन सुन के शर्माओ और सेट हो जाओ। हाँ हाँ, मैं इसी की तरफ से कह रहा हूँ, अभी भी इसी की तरफ से कह रहा हूँ कि आज से तुम मेरी बहन हो। ये इनका जाती मामला है। मुझे लग रहा है मेरे बच्चे मुझे मामू कहेंगे। क्या हो गए जमाल, लगते पागल हो गए तुम। पागल हो गया हूं, हो जाऊंगा, कागज चूर रहूंगा देखना तुम। कौन? जाओ जाओ जाओ। नहीं नहीं, खैर अंदर दिल लगाओ, क्या बात है। झगड़ा हो गया, उन्होंने सर फाड़ दिए दूसरे के, बेहोश होकर गिर रहा, खून बह रहा है, उनकी बहनें ठाड़ मार मार के रो रही हैं। रोने दो, करो क्या है? बस उनको रोने दो, अंदर ना आए दोनों। वो आ ही नहीं सकते, उठेंगे तो अंदर आएंगे ना। मैं अंदर हूँ। आप कितने साल के लिए जा रहे हैं? अच्छा, क्या बात है, इसमें बड़ा चिढ़ते हो, ये ईमानदार लगा।
आज मैं डॉक्टर होता तो बाहर से बुलाना ना पड़ता। मैं डॉक्टर बुलाता हूँ, वो फायदा कोई नहीं है भाई। डॉक्टर का नाम क्या है? मन्नी, क्या पता? ओ मुझे याद है, डॉक्टर का नाम मुझे याद है। डॉक्टर सिकंदर को बुला लूं? पाना नहीं माना, गाड़ी के नीचे घुसा हुआ क्या? अबे पाना नहीं माना बोलो, माना। हाँ यार, पहचाना माना। हाँ झगड़ा हो रहा है यहाँ पे यार, दो आदमी बेचारे गुत्था गुत्था होंगे। कोई डॉक्टर नहीं है दूर दूर तक, कोई डॉक्टर नहीं है, रेगिस्तान ही रेगिस्तान नजर आ रहा। रो, सिस्की की आवाज सुनाओ, ये देखना बच्चे रो रही है। ये बात है, आज तू डॉक्टर लेके जा, तू डायरेक्ट कॉलोनी से बोल रहा ना, शाबाश, यहाँ से जा हैदराबाद से डॉक्टर लिया, शाबाश। अभी आ रहा, 5 मिनट आ रहे हैं। माने, डॉक्टर हैदराबाद से आ गए? हाँ, यहाँ मेरी वाकफियत नहीं है ना। बारह भाई निकल लो, मैं माने कोई और इंतजाम करवाने। हेलो, डॉक्टर मिले मिले, लड़की है लड़की, डॉक्टर लाइन मिल गई लाइन, एक लड़का लड़की बात कर रहे, छुप जाओ। क्या कह रहे? चुप हो जा, मुझे क्या होता है, सुन। वो लड़की कह रही है मैं ना 12 बजे, ठीक 12 बजे अर्शी सेन मार हूँ। इस लड़के को नहीं पता मैं 11:30 बजे पहुंच जाऊँ देख। हेलो 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 हेलो, ओए लाइन छोड़ दे, लाइन छोड़ो, लाइन छोड़ो। ये कौन है लड़का, पहचान गया मैं, शेनाज सिद्दीकी, लाइन छोड़ दो, लाइन छोड़ो शेनाज। ये क्या बदतमीजी है, अरे लड़की को बात कर दे, लाइन छोड़ो, बताओ मैं तुम्हारे घर में भाजू। अब भरा जी बांधे यार, ये तुम यार क्या कर रहे हो शेनाज, बाबू लाइन छोड़ दो जी। हेलो हेलो, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहेब, डॉक्टर साहेब, आज श्रावण डॉक्टर साहब, वो कोई नहीं दोस्त है, शेनाज सिद्दीकी बीच में आ गए, और बगल लड़के से बात कर जी। हाँ क्या हाल है? ठीक है, यहाँ पे दो आदमी जख्मी होकर पड़ गए। हाँ जी, हाँ गिरे हुए, जब मर्जी उठवा ले, अभी उठवाना बहुत जरूरी है जी। हाँ हो गया, तो जल्दी आ रहे ना आप, यहीं यहीं यहाँ, सही सही। कब करेंगे, नहीं कब करेंगे? ये डॉक्टर MBBS यहीं यहीं यहाँ, आप बेफिक्र रहो, लाशें उठ जाएंगी, जख्मी उठ जाएंगे, जख्मी। मैंने मारा भाई, ठीक हो गए, मैं ख्याल रखूं, हो गए। धोखे बाज लोग हैं यार, जाओ जाओ, तसल्ली रखो तसल्ली रखो, इतना बेफिक्र नहीं रहना। मैं क्या है, वो जबरदस्त ड्रामा हो गया, हो गया। हाँ, अब आपके साला सर कभी इस घर में नहीं आएंगे। वेरी गुड मेरी जान, बहुत अच्छा आदमी है तू। वो शीशी दे दी, हाथ दीजिए। अरे शीशी तो पहुंचाओ किसी तरह, मैं पहुंचा दूंगा यार, मेरा प्यार तो पहुंचे वहां तक यार, और मैंने दम कराया वो पड़वा के लाया इधर। बात अच्छा क्या तूने मुझे दे दिया, मैं ठीक है इंशा अल्लाह। सुन मेरा एक काम और कर दे। क्या? ये मेरी दोनों बीवियां नहीं है, इनसे जान छुड़वा दे यार मेरी। आप खाओ कसम, फिर मेरा काम होगा। हाँ हो जाएगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा। लो मैं आपको काम बताता हूँ। हाँ, तरकीब तरकीब तरकीब, वेरी गुड। वे
वेरी गुड, शुरू शुरू, रोल रोल रोल। वो ये आपकी कुल्फी छीन के भाग है। किस तरह वो है पूरे तरीके से? फिर आप बड़े बाप के बेटे हैं, जरा स्टाइलिश हो। कैसे कैसे? <Stand up. laughs> अंडे से बाहर निकल के रोए, इस तरह तो बेइज्जती हो जाएगी। मर्दाना तरीके से रोलू? मर्दाना तरीके से रोए। बेगम साहिबा, सही नहीं हुआ। वो देखो बस, गुर्बत ने अचानक ही हमला कर दिया है। क्या? इस घर की दर दीवार कांप गए हैं बीबी। बैंक ने सारी जायदाद जब्त कर ली है। इनकम टैक्स वालों ने इन गरीबों को खोखला कर दिया। इस घर में अब सिर्फ मैं अमीर हूं, क्योंकि मेरे पास 160 रुपए हैं। इनके पास फूटी कौड़ी नहीं है, बल्कि टूटी कौड़ी नहीं है इनके पास। गुर्बत बाहर दरवाजे पे खड़ी है। वो देखो बैल भी दे रही है कि मुझे अंदर आने दो, लेकिन मैंने दरवाजे बंद कर रखे हैं। जायदाद इनकी नीलाम हो गई है। मिल के मजदूरों ने मशीनें बेचकर अपना ओवर टाइम ले लिया है। कह रहा हूँ पाखरा, ये बिल्कुल सही कह रहा है। हम बिल्कुल कंगले हो गए, कलाश हो गए, हम लुट गए, तबाह हो गए। अब ये घर भी हमारा नहीं रहा। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द तीन हट्टी के पुल के नीचे सेट हो जाएंगे। मगर क्या हुआ, तुमने तो कहा था मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगी। साथ दोगी ना पाखरा? मैं थारे कंगले का साथ दू। कल्लू सारा मोहल्ला गाता है। क्या कल्लू की भी मजाक किरदार की बेटी हूं। मैंने दो दिन के अंदर तल्ला आते हो तो चुप कर लू। मुझे पता था जाहिल औरत कि तुम मेरा साथ छोड़ जाओगी। उसे देखो, वफा की पुतली है वो, पढ़ी लिखी है, वेल एजुकेटेड है। वो मेरा हमेशा साथ देगी। इसने तो वादा भी किया है, चाहे तुम्हारे कैसे भी हालात हो जमाल, गरीब हो या अमीर हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। क्यों शाजिया? साथ नहीं दोगी? नहीं दूंगी। तुम जैसे कंगरे का साथ दूंगी? मैं चली जाऊंगी अपने डैडी के यहाँ और जाकर अपने लिए कोई नया आइडिया तलाश करूंगी। बचन, किस्मत आजमाने में क्या है भाई, खुद ही तो बोल रही है आइडिया ढूंढो। सारा मोहल्ला कहता तू आइडिया है, मुझे बोलते लोग। चल हर काम में आइडिया है। मैंने कह दिया, सुन लो तुम कान खोल के, मुझे तलाक चाहिए। क्या मांग रही हमारी बच्ची, देते क्यों नहीं? बैठो अम्मा, अभी बढ़ेगी, आप भी लेना। अरे भाई ये हमारे बच्चे चुप चुप क्यों है? बैठ जाओ, मिलेगी बढ़ेगी तो। हाँ पूछ लीजिए किबला नवाब साहब, वो परेशान है। हम अपनी बेटी फाखरा से पूछते हैं। भाई क्या बात है फाखरा बेटी? चल गेंडा। मैं बड़े दिन से सोच रहा था आपकी शक्ल कितने मिलती है। इन्होंने याद दिलाया तो मुझे याद आया। मारा सारा जेब का सामान, मैंने दो दिन के अंदर तलाक चाहिए। हाँ तेरे भी सुन ले गेंडे की औलाद, मैंने दो दिन के अंदर तलाक के कागज दे दे, मैंने सारे सबको मैं अदालत में बुलाऊ, तारा के हासिल करो दुनिया देखे। वह जवान की बच्ची तन्ने मन्ने वाली, तेरे चुप करके खड़ी रहे, तन्ने भी बोलूं क्या? हमारी सासु को देखो, सफरी कूलर। सफरी कूलर? अच्छा वो ये सफर में ले जाते हैं बड़ा वाला ये। समझ में नहीं आया, तू अच्छी तरह समझा दे, लिख के लगा दे। मैंने एक बात की है, वो किसी ने कोई बात की हो का बताऊं नहीं कि क्या है वो। कौन सा कूलर है? वो गोली सफर में ले जाते हैं ट्रेनों में, लोग पांच पांच मील का। उन्होंने कहा अब ये लड़ रही हो? हाँ वो तो कह के चली गई, तलाक दो, दो दिन के अंदर मारा जेस का सामान दो, तने मन्ने ठीक कर दूंगी। ये कहा
बेकार आदमी है। सुन लो पप्पो, मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी, जा रही हूँ अपने बाबा जान के यहाँ, और तलाक चाहिए छोरे। सारे काम कर दिए हैं, अब मैं जा रहा हूं और वापस आऊंगा और अपनी अमानत को ले जाऊंगा। जमाल, क्या तमाशा हुआ था हमारी गैर मौजूदगी में? बस जरा सा ड्रामा किया था मैंने कि हम कंगले हो गए, कल्लाश हो गए। वो आपकी भांजी जो सिर्फ पैशन को अपना ईमान समझती है, और वो आपकी भतीजी जो सिर्फ दौलत को अपना ईमान समझती है, मुझे छोड़ के चली गई और कह रही है दो दिन के अंदर मुझे तलाक चाहिए। मैं डेढ़ दिन के अंदर पहुंचाऊंगा। हमें अफसोस है बेटा, हमें क्या मालूम था कि हमारे खानदान की बच्चियां ऐसी निकलेंगी। कभी कभी वालदैन से भी गलतियां हो ही जाती हैं। हम भी माजरत खां हैं बेटा। अम्मी, अगर माजरत मांगनी है, अगर चाहनी है, तो उस लड़की से मांगे जो इस घर की बहू है और नौकरानी से बदतर हालत में मौजूद है। कमबख्त, छप्पर में तीसरी गली। पहले की थी। अपनी शक्ल तो देख, लोगों के बच्चों को एक नहीं मिलती, इसे तीन तीन मिल गई। अल्लाह की देन है। बुला सजदा। खुद ही करा रही थी, करी जाओ करी जाओ, मैं भी कर रहा हूं। सजदा सजदा, सास ससुर को सलाम करो, मैंने बता दिया। सजदा बेटा, हमें माफ कर दे बेटा, हमने तुम्हें पहचाना नहीं, तुम्हारी कदर नहीं की। तुम तो डूब के मर जाओ, बेटे ने तीन दिन कर ली। थैंक यू, कोई बात नहीं। आपने मुझे शादी से पहले बच्चे की मुबारकबाद दी, थैंक यू। मजदूर साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कौन कहता है कि सरमायेदार जालिम होता है? देखो इस सेठ को, जिसने एक लेबर को, मजदूर को एक जिंदा लड़की दी है और 20 हवेली लाख दी। नहीं मैं चलो डाली। भाभी को सलाम करो। भाभी सलाम अलैकुम। ये तो अम्मी है बेगम साहिबा। साजदा भाभी है तुम्हारी, जो मेरी बीवी है, जो सिर्फ हालात की वजह से यहाँ नौकरानी बनकर रह रही थी। मजदूर साथियों, तुम ठीक कहते हो, सरमायादार बहुत घटिया होता है।